The events, characters and entities depicted in this film are fictional. Any resemblance or similarity to any actual events, entities or persons, whether living or dead, is entirely coincidental. नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। स्त्री के बारे में क्या पता है आपको? चुड़ैल है चुड़ैल, और भाभी मुड़िया पहरी। ऐसा काल इस धरती ने कभी ना देखा। आकाश, पाताल, देवता, ब्रह्मा पुरुषों को उठाती है और सिर वस्त्र छोड़ती है। वो पहले तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारेगी। तुम्हें क्या करना है? फौरन चप्पल निकालो, हाथ में लो और भागो। क्या हो गया बाबा? ये लड़की देखते टाइम तुम्हारे पसीने काहे छूटते हैं बे? ये 10 मिनट की मुलाकात में कोई कैसे फैसला ले सकता है? और अगर गलत फैसला होगा ना बंधु, तो पूरा जीवन बर्बाद है। आपकी क्या अपेक्षा है अपनी होने वाली वाइफ से? हम बस ऐसा जीवन साथी चाहते हैं जो, ताकि हम जैसे भी है ना अच्छे हैं और उसे पसंद है। बच्ची को चुड़ैल से मर रखी, या चुड़ैल से पीछे छुड़ाना मुश्किल नहीं, असंभव है। जो शुरू किया उसे खत्म कीजिए, बुलाइए, जरूर आएगी। वो कोई साधारण लड़की नहीं है। हम स्त्री की बात कर रहे हैं, स्त्री। जान बचा लो अपनी, साक्षात मौत है वो। लगता है बहुत बड़ा सदमा लगा है। नहीं, प्यार और इज्जत दोनों शेरों से कभी नहीं दी, और जो इस शेर की गलती है। एक दूसरे के हाथ पकड़ के जाना, रात होने वाली है। अबे तुम लोग भी पक्का मरोगे। मैं वहां जा रहा हूं, जब ये आ जाओ। ये साया चाहता तो तुम्हें पहले ही लगा देता, वो तुम्हारे जरिए अपना। दोस्तों, अभी अभी हम स्त्री के दर्शन कर आए, और थिएटर से बाहर आने के बाद एक रिपोर्टर ने हमसे पूछा कि फिल्म कैसी थी भाई, जिसके ऊपर हमने एक बढ़िया सा पॉज लिया और उससे कहा कि इस फिल्म के डायरेक्टर को अब अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। क्या बात कर रहे? अरे रे रे रे, ऐसा 440 वॉट का झटका देने के लिए हमें माफ कर दीजिए, पर हमारे कहने का मतलब कुछ और ही है। दरअसल अभी हमने तारीफ करने का ये एक नया फंडा शुरू किया है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर ने मिलकर जिस तरह के बढ़िया कंटेंट की खेती की है, जो माल डिलीवर किया है, उसके बाद लोग इनके विजन को चूमने के लिए उनका पीछा तो करेंगे ही, इसलिए कहीं ना कहीं तो उन्हें अंडरग्राउंड होना पड़ेगा ही ना। अरे, क्योंकि इतना क्रेजी प्यार तो वो झेल ही नहीं पाएंगे। पर सच में स्त्री 2 एक वेल स्क्रिप्टेड फिल्म तो जरूर है, हायर जोनर में इसका कोई तोड़ नहीं है, और उसे उतने ही दमदार तरीके से प्रेजेंट भी किया गया है, जिसके लिए राइटर नीरेन भट्ट और डायरेक्टर अमर कौशिक को हम बधाई देते हैं, और अब 15 अगस्त की जलेबी भी भिजवा ही देंगे उनके घर पर। और हाँ, फिल्म के डायलॉग्स वन लाइनर भी एकदम खिड़की तोड़ परफॉर्मेंस देते हैं, जिसकी एक झलक तो हम ट्रेलर में देख ही चुके हैं। वैसे प्लॉट को काफी इंटरेस्टिंग तरीके से डेवलप किया गया है, जिसमें इस बार सरकटे का आतंक भी था। अब सरकटा जब आएगा तब डरने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, तो
डरना मना है। इस लाइन पर आप ये भूल जाओगे, पर उसके जंप स्केयर मूवमेंट पर आप हंसोगे भी। तो ये फिल्म फुल ऑन रोलर कोस्टर राइड है। अब बात करें स्टार कास्ट के बारे में, तो राजकुमार राव अपने नाम की तरह इस फिल्म के राजकुमार ही साबित हुए हैं। मतलब इतने ब्रिलियंट तरीके से उन्होंने कॉमेडी टाइमिंग और हायर इमोशंस का बैलेंस पकड़ के रखा है कि सच में आपको मिथुन का एक ग्रैंड सल्यूट उन्हें देना ही चाहिए। और हमारी श्रद्धा कपूर मैडम, उन्होंने क्या इम्पैक्ट छोड़ा है भाई। सच में उन्हें देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ब्यूटी विद टैलेंट अगर नाम का कोई अवार्ड होगा तो सबसे पहले इन्हें ही देना चाहिए। यही हमारी गवर्नमेंट से मांग है। इसी बहाने शक्ति कपूर को भी खुशी हो जाएगी ना। खैर, फिर इसके बाद पंकज त्रिपाठी जी का नंबर आता है। वो तो लीजेंड हैं। उनके मुंह से ज्यादा उनकी आंखें एक्टिंग करती हैं। और इस परंपरा को उन्होंने इस फिल्म में भी बरकरार रखा है बड़े शान से। और अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बैनर्जी सपोर्टिंग कास्ट में हैं, पर एज ऑलवेज बीइंग परफॉर्मेंस। और वरुण धवन का कैमियो भी अपना ईमानदार परफॉर्मेंस देता है। वहीं न्यू एंट्री तमन्ना भाटिया आज की रात सॉन्ग पैसा वसूल दिखाई देता है। वैसे सचिन जिगर के म्यूजिक या बैकग्राउंड म्यूजिक को लेकर हम क्या ही बोल सकते हैं। हमारे पास पहले से ही पैसे और शब्दों की कमी है। पर मतलब फिल्म के कंटेंट को यूएसपी कहें, म्यूजिक को कहें, डायरेक्टर को कहें या किसको यूएसपी कहें, सच में समझ नहीं आ रहा। क्योंकि ये फिल्म एक कंप्लीट पैकेज ही है। इसलिए इसका नाम तो स्त्री 2 नहीं बल्कि बार बार देखो रखना चाहिए था। वेल, पर अभी तक आपने टिकट निकाला नहीं होगा इसका और बस सोचा ही होगा, तो सोच को मारो गोली और थिएटर में जाकर अटेंडेंस लगवाओ और इस मैड क्रेजी फिल्म का आनंद लो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने। 3-2 ने तोड़े कौन से 5 बड़े रिकॉर्ड्स? बॉलीवुड के किन बड़े स्टार्स को किया स्त्री ने पीछे? नंबर 1, श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म स्त्री 2 का बॉक्स ऑफिस पर तूफान शनिवार को भी देखने को मिला है। रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग लेने वाली स्त्री 2 ने दूसरे दिन भी ताबड़तोड़ कमाई की है, जबकि शनिवार तीसरे दिन भी इसका कलेक्शन शानदार हो रहा है। सैपमिल की रिपोर्ट के मुताबिक श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की इस हॉरर कॉमेडी फिल्म ने अपनी रिलीज की तीसरे दिन यानी कि शनिवार को दोपहर 3 बजे तक 16.98 करोड़ रुपीज की कमाई कर ली है। इसी के साथ स्त्री 2 का टोटल कलेक्शन 108.68 करोड़ रुपीज हो गया है। फिल्म ने तीसरे दिन ही बॉक्स ऑफिस पर शतक जड़ दिया है। नंबर 2, स्त्री 2 लोगों को इतनी पसंद आ रही है दोस्तों कि इसने अपने पहले दिन की कमाई के जरिए कई रिकॉर्ड तोड़े हैं और साल 2024 की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बनकर उभरी है। इससे पहले इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म फाइटर थी, जिसने पहले दिन 24 करोड़ का कारोबार किया था। लेकिन स्त्री 2 का पहला दिन अभी तक का सबसे कमाऊ दिन रहा है। नंबर 3, श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की स्त्री 2 न सिर्फ साल की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म साबित हुई है, बल्कि हिंदी फिल्मों की लिस्ट में भी सबसे बड़ी ओपनर बनकर उभरी है। स्त्री 2 का ओपनिंग डे का कलेक्शन 51.8 करोड़ रुपीस रहा है। वहीं अगर प्रीव्यू शोज को भी जोड़ लिया जाए दोस्तों, तो कारोबार 60.3 करोड़ रुपीस का हो चुका है। नंबर 4, राजकुमार राव बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही पॉपुलर एक्टर नहीं रहे हैं। उनकी स्त्री ने पहले दिन 6.82 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया था। इसके बाद उनके 6 साल के करियर में स्त्री 2 सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बनी है। इसके अलावा स्त्री 2 श्रद्धा कपूर के करियर की भी सबसे बड़ी ओपनर रही है। इससे पहले उनकी टॉप ओपनिंग साबो थी, जिसने 24.40 करोड़ रुपीस का कारोबार किया था। नंबर 5, श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 ने एनिमल, भूतैया 2, पठान और वॉर जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड को भी ना तोड़ दिया है। ऐसे में पति 5 फिल्मों को पछाड़ दिया है। तो आपने स्त्री 2 देखी या फिर नहीं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर। स्त्री 2 की दहाड़ से कांपा बॉक्स ऑफिस। टाइगर 3 कल की भारत जैसी फिल्मों के साथ किनको चखाया हार का स्वाद। हर हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर फिल्में दस्तक देती है, लेकिन कुछ फिल्मों का क्रेज उनकी रिलीज से पहले ही देखने को मिल जाता है। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव स्टारर स्त्री 2 को लेकर भी फैंस काफी एक्साइटेड थे और उम्मीद के मुताबिक इस फिल्म ने अपने दर्शकों को जरा भी निराश नहीं किया है। स्त्री के सक्सेस के बाद से सभी इसी सोच में थे कि क्या ये हॉरर कॉमेडी का सीक्वल एक बार फिर से लोगों का दिल जीत पाएगी। जवाब सभी के सामने है दोस्तों, इस फिल्म को दर्शकों से काफी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है।
इतना ही नहीं, कमाई के मामले में भी स्त्री टू ने इतिहास रचते हुए हाफ सेंचुरी लगा डाली है। जी हाँ, 15 अगस्त के मौके पर रिलीज हुई स्त्री टू का मुकाबला दो बड़े एक्टर के साथ था, अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम भी इंडिपेंडेंस डे के मौके पर अपनी अपनी फिल्मों के साथ आए। लेकिन स्त्री टू के मेकर्स की एक बाजी ने पूरा खेल पलट दिया। मेकर्स ने 14 अगस्त की रात 9:30 बजे फिल्म के पेड प्रीव्यू शो लगा दिए। महज दो शो से स्त्री टू ने 8.35 करोड़ रुपीस का शानदार कलेक्शन करके अक्षय कुमार की खेल खेल में और जॉन अब्राहम की वेदा पर भारी दबाव बना दिया। लेकिन जब फिल्म ऑफिशियली रिलीज हुई तो शुरू से ही स्त्री टू का जलवा देखने को मिला। सैक्नल की ताजा रिपोर्ट की माने तो रिलीज के पहले दिन 46 करोड़ का छप्पर पार कारोबार किया है इसने। स्त्री टू ने 54.35 करोड़ रुपीस की शानदार ओपनिंग की है। अगर टॉप थ्री ग्रॉस इंडिया ओपनिंग फिल्मों की बात करें तो स्त्री टू दूसरे नंबर पर है। टॉप थ्री ग्रॉस इंडिया ओपनिंग में अब तक कल की 2898 114 करोड़, स्त्री टू 54 करोड़, गुंटूर का रम 48.7 करोड़। इसके अलावा स्त्री टू ने सलमान खान और शाहरुख खान की कुछ फिल्मों को पहले दिन की कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। स्त्री टू ने हिंदी भाषा में पहले दिन अधिक कमाई करने वाली फिल्मों की टॉप 10 लिस्ट में भी अपनी जगह बना ली है। टॉप 10 ओपनिंग हिंदी लैंग्वेज में अब तक जवान, पठान, एनिमल, KGF, वॉर, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, स्त्री टू, टाइगर थ्री, हैप्पी न्यू ईयर, भारत इंक्लूडेड है। जिस तरह से स्त्री टू ने पहले ही दिन अर्धशतक लगा दिया है, इसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि इस वीकेंड तक ये फिल्म 100 करोड़ से पार पहुंच जाएगी। अब श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की हॉरर कॉमेडी फिल्म बाकी 15 अगस्त के मौके पर रिलीज हुई फिल्मों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई थी। स्त्री टू का पहला पार्ट स्त्री 6 साल पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स ने स्त्री टू को बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए का खर्चा किया है, जिसमें से उन्होंने 5 करोड़ फिल्म की लीड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को फीस के तौर पर दिए हैं और राजकुमार राव को इस फिल्म के लिए 6 करोड़ की फीस मिली है। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की स्त्री को बनाने के लिए पहले मेकर्स ने 30 करोड़ की लागत लगाई थी। यानी कि 6 साल के बाद हॉरर कॉमेडी के सीक्वल को बनाने के लिए मेकर्स ने दोगुनी रकम लगा दी है। फिल्म का पहला पार्ट ब्लॉकबस्टर था, उसे भी काफी पसंद किया गया था। 30 करोड़ के बजट वाली स्त्री ने दुनिया भर में 182 करोड़ का बिजनेस किया था। वहीं सिर्फ भारत की बात करें तो इस फिल्म ने 167 करोड़ रुपीस की छप्पर पार कमाई की थी। फिल्म में श्रद्धा कपूर का किरदार एक चुड़ैल का था, जिन्हें सब स्त्री कहते हैं। जिन लोगों ने पहली स्त्री देखी है वो उनके किरदार से पूरी तरह से वाकिफ होंगे। पहले पार्ट में स्त्री गांव के पुरुषों को उठा लिया करती थी, लेकिन इस बार वो चंदेरी गांव की रक्षा करती भी नजर आ रही है। हालांकि गांव की रक्षा का जिम्मा हमेशा विकी अपने कंधे पर लिए घूमते हैं। ये रोल राजकुमार राव ने निभाया है। रुद्र भैया यानी कि सभी के फेवरेट पंकज त्रिपाठी ने भी अपने काम से सभी का दिल जीत लिया है। अपार शक्ति खुराना इस फिल्म में बिट्टू बनकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए नजर आ रहे हैं। अभिषेक बैनर्जी को जन्ना के रोल में देखा गया। अपनी कॉमिक टाइमिंग से अभिषेक सभी को काफी इम्प्रेस कर रहे हैं। आपको फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक। तो स्त्री टू ने लिखा 2 दिन में इतिहास, जिसके चलते पठान और एनिमल और राम गोपाल वर्मा को भी ये कहना पड़ा, ओ स्त्री तू सी ग्रेट हो। तो दोस्तों, दरअसल राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की स्त्री टू की आंधी में अब उड़ गए हैं अच्छे अच्छे खिलाड़ी। जैसे कि रिलीज के पहले ही दिन फिल्म का नेट कलेक्शन 76.5 करोड़ रुपीस रहा और इस धमाकेदार एंट्री के साथ स्त्री टू ने कई बड़ी फिल्मों की ओपनिंग डे की कमाई के रिकॉर्ड को भी तोड़ फोड़ मरोड़ दिया है। जिसके लिस्ट में पहले नंबर पर बैठे हैं हमारे पठान 55 करोड़ के साथ, एनिमल 56 करोड़ की ओपनिंग के साथ और KGF 53 करोड़ के ओपनिंग के साथ। और दूसरे दिन स्त्री टू ने इंडिया में लगभग 30 से 35 करोड़ का कलेक्शन किया है। यानी 2 दिनों में ही स्त्री टू ने 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मार दी है। तो ये तो हिस्ट्री क्रिएट हो ही गई ना भाई। और इतना ही नहीं, बल्कि स्त्री ने अपनी खूबसूरती के साथ साथ 90s का जादू भी जगा दिया है। मतलब फिल्म के रिलीज के साथ ही थिएटर्स के बाहर हाउसफुल के बोर्ड लगने शुरू हो गए हैं। और ऐसा सीन लंबे टाइम के बाद देखने को मिला है, जब लोगों को टिकट के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। तो इसने 90s की याद तो दिला ही दी, जब बड़े स्टार्स की फिल्म रिलीज होने पर थिएटर्स हाउसफुल हो जाया करते थे। वैसे स्त्री टू का ये जलवा और कलेक्शन देखने के बाद डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा को भी रहा नहीं गया।
खुद उनका सोशल मीडिया हैंडल उन्हें बुला रहा था कुछ ट्वीट करने के लिए, और उन्होंने जाकर ट्वीट कर ही लिया तो अपने स्टाइल में ताने मारते हुए उन्होंने बोल दिया कि स्त्री 2 से ज्यादा डरावनी बात सिर्फ उसका कलेक्शन है। पर इंडस्ट्री के लोगों को समझ नहीं आएगा कि इसकी कॉमेडी पर हंसे या इसके कलेक्शन पर डर कर हाफे, यानी कि इनडायरेक्टली उन्हें यही कहना है कि जब बाकी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आईने में अपना चेहरा देखेंगे ना, तब उन्हें राजकुमार राव का चेहरा जरूर याद आएगा। वैसे एक बात तो हम भूल ही गए, स्त्री 2 के साथ अक्षय कुमार की खेल खेल में और जॉन अब्राहम की वेदा भी तो रिलीज हुई थी, तो इनका भी कलेक्शन जरा देख लेते हैं। तो वेदा ने पहले दिन 6 करोड़ की ओपनिंग की थी, तो वही दूसरे दिन बस 1.60 करोड़ रुपए की कमाई की, और इसके साथ ये 7 करोड़ पर खुश हो चुकी है बेचारी। तो वहीं अक्षय कुमार की खेल खेल में वेदा से बस एक ही कदम पीछे है। जैसे इसने पहले दिन 5 करोड़ की ओपनिंग की थी और दूसरे दिन बस 1 करोड़ का बिजनेस किया था, और ये 6 करोड़ पर ही खड़ी है, और लगता है कि अभी इन्हें ऐसे ही बिल्कुल खड़ा रहना पड़ेगा स्टैचू बनकर, क्योंकि स्त्री तो इन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देगी। वैसे स्त्री 2 के बाद ऐसा हो सकता है कि आने वाले वक्त में स्त्री 3 पर काम शुरू हो जाए जिसकी स्क्रिप्ट तैयार है, या फिर आयुष्मान खुराना के साथ वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर पर भी काम शुरू हो सकता है, और साथ ही साथ भेड़िया 2 को लेकर भी काफी प्लानिंग चल रही है। तो देखते हैं कि स्त्री 2 के बाद कौन आने वाला है नया रिकॉर्ड बनाने के लिए। वैसे फिलहाल दोस्तों आपका इन सब पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर पुरुष फंस गए हैं ये देखना वाकई इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि दो ऐसे एक्टर्स हैं जिनका आपस में ही क्लैश है, मतलब वो दोनों एक्टर्स दोनों ही फिल्मों में हैं, जिनका नाम है तमन्ना भाटिया और अभिषेक बैनर्जी। तमन्ना का स्त्री 2 में आइटम नंबर है और अभिषेक का किरदार स्त्री 2 में एक सपोर्टिंग कास्ट में है। वहीं वेदा में तमन्ना जॉन अब्राहम की लव इंटरेस्ट है और अभिषेक वेदा में विलन की भूमिका निभा रहे हैं। दोनों स्त्री 2 और वेदा में हैं तो इनके लिए दोनों ही फिल्में काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनका क्लैश से नुकसान है और सबसे ज्यादा इन दोनों का ही है, क्योंकि एक फिल्म के ज्यादा चलने से यकीनन दूसरी का नुकसान होगा, तो कोई भी जीते लेकिन नुकसान तमन्ना और अभिषेक का ही होगा। वहीं स्त्री 2 के प्रमोशन में राजकुमार श्रद्धा कपूर कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, खास तौर पर श्रद्धा तो अपनी इस फिल्म को हिट कराने में कोई कसर ही नहीं छोड़ रही है। हाल ही में एक्ट्रेस अपनी टीम के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी भी फिल्म का प्रमोशन करने गई, जहां फैंस ने उन पर दिल खोलकर प्यार लुटाया। लखनऊ यूनिवर्सिटी पहुंचे इस दौरान छात्रों ने काफी जोश दिखाया, श्रद्धा के फैंस आई लव यू श्रद्धा कहकर चिल्लाने लगे। यूनिवर्सिटी में उनका वेलकम के लिए पूरा इंतजाम किया गया, फिल्म की स्टार कास्ट के लिए बड़ा स्टेज तैयार किया गया, स्टार्स ने अपनी फिल्म के बारे में बताया, छात्रों की अपील पर डायलॉग्स भी बोले। इस दौरान श्रद्धा ने फिल्म के गाने पर डांस किया, इसके बाद वो दिल्ली और जयपुर की तरफ निकल पड़े। साल 2018 में आई राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टार स्त्री ऐसे मोड़ पर रुकी जहां ऑडियंस ने इससे सीक्वल की जमकर डिमांड की, आखिरकार मेकर्स को स्त्री 2 लाना ही पड़ा। फिल्म के टीजर पोस्टर और ट्रेलर ने लोगों की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया। हाल ही में फिल्म से रिलीज हुआ पवन सिंह का गाना खेतों में तू आई नहीं ने मूवी के क्रेज को दोगुना कर दिया है। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म स्त्री 2 15 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। वहीं इस कहानी में एंट्री होती है जॉन अब्राहम की, जिनकी वेदा आने वाली है, जो एक सोल्जर के रोल में है। उनका इंट्रो सीन कश्मीर में शूट हुआ है, इसमें वो बतौर सोल्जर किसी टेररिस्ट ऑपरेशन जैसी सिचुएशन में नजर आ रहे हैं। 1.5 मिनट के टीजर में बहुत ज्यादा कहानी तो नहीं बताई गई, मगर शायद शर्वरी यानी वेदा अपने माहौल से निकल भागने की कोशिश में है और जॉन अब्राहम से टकरा जाती है। कहानी में तमन्ना भाटिया जॉन अब्राहम की लव इंटरेस्ट या वाइफ के में है। शर्वरी का काम फिल्म में काफी दमदार नजर आ रहा है। जॉन बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उसे ट्रेनिंग देकर उसके अपने हालात से लड़ने के लिए तैयार करते हैं और उसके साथ उसके लड़ाई का हिस्सा भी बनते हैं। फिल्म में अभिषेक बैनर्जी और आशीष विद्यार्थी जैसे दो दमदार एक्टर्स विलन के रोल में नजर आने वाले हैं, जो वेदा को रोकना चाहते हैं।
जॉन की नई फिल्म को निखिल अडवाणी ने डायरेक्ट किया है, जो उनके साथ पहले बाटला हाउस भी बना चुके हैं। इन दोनों की जोड़ी पिछली बार बॉक्स ऑफिस पर काफी फायदेमंद भी साबित हुई थी। इस बार ये दोनों क्या कमाल करते हैं ये जल्दी थिएटर्स में पता चल जाएगा। पठान में पठान को सुपर एक्शन स्टाइल में आने के बाद जॉन थिएटर से दूर चल रहे थे। उनके फैंस के लिए उनकी नई फिल्म काफी एक्साइटिंग होगी। वेदा 15 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। वहीं वेदा का भी प्रमोशन शुरू हो गया है, जिसमें कई इंटरव्यूज में जॉन, तमन्ना और शर्वरी देते हुए दिख रहे हैं, अपनी विचार प्रकट कर रहे हैं विचार अपने, और दोनों ही काफी बराबर की टक्कर में है। अब आप किस फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड है हमें ये जानना है, तो ड्रॉप इन द कॉमेंट बॉक्स एंड टिल देन कीप वॉचिंग। जी तो आ गई सच में। पुरुष सिनेमा से कैसे छिना उसका ताज और बना स्त्री सिनेमा। बहुत समय पहले फिल्में आई थी जैसे शोले, शहंशाह, बागबान जैसी, जिसमें डायलॉग्स होते थे अरे ओ सांबा कितने आदमी थे, और अब फिल्में बनती हैं स्त्री भूल भुलैया मीरे दी वेडिंग क्रू टाइप की, जिसमें डायलॉग्स होते हैं अच्छा तो अब तेरी लेने के लिए डिग्री भी चाहिए। धीरे धीरे सिनेमा ने पलटी तो मार दी और बन गया फीमेल ओरिएंटेड सिनेमा, लेकिन ऐसे ही नहीं बना, इसको ऑडियंस की डिमांड ने फीमेल ओरिएंटेड सिनेमा बना दिया और ये फिल्में ऐसी चली कि मेकर्स फिर ऐसी ही फिल्मों पर ज्यादा जोर देने लगे और बन गया फीमेल ओरिएंटेड सिनेमा। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इंडिपेंडेंस डे पर होने वाली क्लैश के बारे में चर्चाएं गर्म हो रही हैं, क्योंकि सभी क्लैश फिल्मों के ट्रेलर एंटरटेनिंग है। कुल मिलाकर 15 अगस्त को बॉलीवुड की तीन बड़ी फिल्में आ रही हैं और श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 बिना किसी डाउट के पहले दिन के कलेक्शन पर हावी होने जा रही है। वास्तव में ये बॉलीवुड की फीमेल ओरिएंटेड फिल्म के लिए सबसे अधिक पहले दिन का कलेक्शन रिकॉर्ड करने का गोल लेकर चल रही है। शुरुआत में सिंघम अगेन और पुष्पा 2 के बीच क्लैश होने वाला था, लेकिन काम में देरी होने के कारण दोनों फिल्मों को पोस्टपोन कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि जब सिंघम अगेन और पुष्पा 2 के बीच क्लैश चल रहा था, तब जॉन अब्राहम की वेदा भी उसी डेट को रिलीज होने की हिम्मत कर रही थी। अजय देवगन और अल्लू अर्जुन की फिल्मों के पोस्टपोन होने के बाद चीजें बदल गई और अब अक्षय कुमार की खेल खेल में जॉन की वेदा और श्रद्धा की स्त्री सीक्वल 3 तरफा क्लैश में आ रही है। एक नारी सब पर भारी, मतलब इस क्लैश में स्त्री 2 का पलड़ा भारी है। ये पहले से ही अपने पिछले पार्ट की वजह से काफी चर्चा में है, यहाँ तक कि ट्रेलर और गानों ने भी ऑडियंस के बीच एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ाने का काम किया है। साथ ही फिल्म में अक्षय कुमार के कैमियो के बारे में भी अफवाहें हैं, इसलिए बिना किसी डाउट के ये इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी पर सभी फिल्मों की कलेक्शन की छुट्टी करने वाली है। वर्ल्ड प्रेजेंट में स्त्री 2 पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। स्टार का स्टोरी बज अच्छा होने के कारण कर भी सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये बॉलीवुड में सबसे बड़ी फीमेल ओरिएंटेड ओपनर बन जाएगी, और वह भी बहुत बड़े डिफरेंस से। अभी तक वीरे दी वेडिंग 10.70 करोड़ के साथ टॉप पर है, तो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की 10 सबसे बड़ी फीमेल ओरिएंटेड ओपनर्स कुछ ये हैं, जिसमें नंबर 1 पे है वीरे दी वेडिंग 10.70 करोड़, गंगूबाई काठियावाड़ी 10.50 करोड़, क्रू 10.28 करोड़, द डर्टी पिक्चर 9.54 करोड़, मणिकर्णिका 8.75 करोड़, डियर जिंदगी 8.75 करोड़, रागिनी एमएमएस 8.43 करोड़, द केरला स्टोरी 8.03 करोड़, मैरीकॉम 8 करोड़ एंड राजी 7.53 करोड़। अगर स्त्री 2 इनके सभी रिकॉर्ड्स को चकनाचूर कर देती है तो बन जाएगी फीमेल ओरिएंटेड नंबर 1 फिल्म। वेल, आपको क्या लगता है, क्या स्त्री 2 बन पाएगी बिगेस्ट इन बॉलीवुड? तो स्त्री 2 का ट्रेलर तो आ चुका है, पर कुछ लोग ये फिल्म देखने जाएंगे नहीं, और इसका रीजन है खुद एक नारी सब पे भारी वाली श्रद्धा कपूर। अरे आप तो सरकटा के डर से भी ज्यादा हमारी इस बात से डर गए, बट डोंट यू वरी, ऑल इज वेल। दरअसल श्रद्धा के ट्रेलर शेयर करने के बाद उन्होंने कुछ लोगों को रिप्लाई नहीं दिया ना, तो वो वेट कर रहे हैं रिप्लाई का, कब आएगा तब आएगा। पर हम तो भाई कर्जा निकाल के जाएंगे ये फिल्म देखने, क्योंकि स्त्री को अब चीयर करना पड़ेगा बाबा। पर पंकज त्रिपाठी तो कह रहे थे कि स्त्री जो जा चुकी है, और चंदेरी पुराणों के कुछ पन्नों में लिखा था कि स्त्री के जाते ही वो लौट आएगा। पर कौन? अरे वही जिसने उस वेश्या को मारकर स्त्री बनाया, और इतिहास उसे सिर्फ एक नाम से जानता है, सरकटा, जो आया है लड़कियों को किडनैप करने। बाप रे, मतलब ये सरकटा तो फिल्म का मेन कैरेक्टर ही है ना, जिसके लिए इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, पर सरकटा के बारे में हम क्या जानते हैं?
वैसे हम तो कुछ नहीं जानते, पर अभिषेक बैनर्जी ने तो चुम्मेश्वरी आंसर दिया है। उसे सुनने के बाद उन्हें आईएएस या आईपीएस बनना देना चाहिए, ये बंदा वहाँ पर जरूर टॉप करेगा। पर जो भी कहो भाई, सरकटा तो लैंड कर चुका है चंदेरी में, और अब उसका टाइम टाइफिस कराने के लिए किसी को तो आना पड़ेगा। तो वहीं पर एंट्री मारती है हमारी श्रद्धा कपूर। तो जो विकी उर्फ राजकुमार की भूतिया गर्लफ्रेंड भी है, तो आ गई है उनके सपनों की रानी। पर श्रद्धा को देखकर राजकुमार को पता नहीं कौन सा करंट लग गया भाई, छोरा तो बावला ही हो गया। और बेचारा भोला आश्रय के किस तरह सब लोग उसकी गर्लफ्रेंड को चुड़ैल पिशाचनी बुलाते हैं, इसकी चुगलियां भी करते हैं। बेचारे चंदेरी का देवदास बर्बाद आश्रय को विकी बावला से लेकर कबीर सिंह तक बहुत कुछ बोलकर लोग उसका मजाक उड़ाते हैं भाई। पर कुछ भी बोलो, राजकुमार ने एक सांस में जो डायलॉग बोला है ना, उस पर कार्तिक आर्यन भी कहेंगे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पर अब चंदेरी गांव फंसा हुआ है सरकटा की वजह से, जो लड़कियों को अगवा कर रहा है, और गांव की औरतें मिलकर विक्की भैया को समझा रही हैं कि तुम्हें सबका सेवियर बनना पड़ेगा। वैसे विक्की भैया को पॉसिबल हो सकता है कि वो मिस्टर बच्चन को ही बुलाते हैं सरकटा से लड़ने के लिए, क्योंकि क्या है ना, सरकटा इतना लंबा है कि खुद श्री बच्चन जी के ऊपर आमिर खान को भी लगा लो ना, तब भी राजकुमार सरकटा से कमर तक भी आएंगे। तो विक्की भाई, फिर तो आप कॉम्प्लान पीना शुरू कर दो। खैर, पर अब जितनी चाहे कॉमेडी कर लो, चंदेरी की लड़कियों को सरकटा से बचाने के लिए सीरियस तो होना पड़ेगा। और श्रद्धा आई है तो राजकुमार भी सीरियस हो जाएंगे, और अब ये दोनों मिलकर सरकार के आतंक से चंदेरी को बचाएंगे, जहां श्रद्धा अपनी इलेक्ट्रिक चोटी से सरकटा के गले का फंदा बनाने वाली है। सॉरी, माफ कर दीजिए, सरकटा को तो गला ही नहीं है तो बांधेगी कहां से। पर आप भावनाएं समझ लीजिए ना हमारी, क्योंकि कुछ भी हो, श्रद्धा अब सरकटा के फेस टू फेस बैटल करने वाली है। बस बैकग्राउंड में आ देखे जरा किस में कितना है दम वाला गाना लगा दो। बाय द वे, सचिन जिगर ने क्या म्यूजिक दिया है, हम तो पानी पानी हो गए। और स्त्री टू के ट्रेलर ने कहीं ना कहीं भूल भुलैया की भी याद दिला दी, क्योंकि आपको पता है उसमें मंजुलिका को बुलाने के लिए किस तरह हीरो को रोज और राजा की तरह से ट्रीट किया जाता था, वैसे ही राजकुमार भी यहाँ राजा बन रहे हैं सबकी रक्षा करने के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि वह सरकटा कोई राजा हो और उसने स्त्री की ऐसी हालत की हो जिसकी वजह से वह पगला गई हो, इसीलिए अब एक स्त्री दूसरी स्त्री का बदला ले, तो मजा आएगा भिड़ू ये सब देखने में। इसीलिए तो कह रहे हैं कि वो स्त्री बस अब जल्दी जल्दी आ जाना। एंड आप कितना एक्साइटेड हैं अब ट्रेलर देखने के बाद, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड टिल देन कीप वॉचिंग। के ट्रेलर से हम कहां घूंघट वाली नन का इंतजार कर रहे थे, और हमें मिल गया तात्या बिच्छू और चक्की का बाप। आइए जानते हैं कि ट्रेलर कैसा है। चलिए, 2 मिनट 54 सेकंड के ट्रेलर ने लाफिंग गैस को फेल कर दिया है। स्त्री 2 के ट्रेलर ने साबित कर दिया है कि वो मैड डॉग हॉरर फिल्म के यूनिवर्स की है तो पहली मूवी और सबसे ज्यादा कॉमेडी मूवी। चाहे भेड़िया और मुंजे उसके सामने आ जाएं, वो पानी ही मांगेंगी। चलो बात करते हैं कि आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे और आपको मिला क्या, और क्या ये मूवी आपको देखने जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है। इस बार स्त्री यानी चुड़ैलों को रक्षा के रूप में दिखाया गया है, काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है। ओ माय गॉड, लवली। कॉमिक एलिमेंट्स की बात करें तो हमारे पंकज त्रिपाठी की मिर्जापुर से जितनी स्क्रीन टाइम कम थी उसको जस्टिफाई कर दिया गया है, क्योंकि कालीन भैया एक्चुअली में चंदेरी छुप छुप के आया करते थे शरद से, वो यहाँ पर ज्ञान दिया करते थे ना, उनके दूसरे भी तो काम है। पहले वो स्त्री के बारे में बताया करते थे, अब उन्होंने सरकटे के बारे में बताया है कि वो तो एक इन्फ्लुएंसर है, वो तो अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहा है गांव में, इसीलिए वो सारे मर्दों को अपनी साइड कर लेता है और फिर सारी लड़कियों को उठा लेता है। ऐसे सुंदर सुंदर एग्जाम्पल दे देके इसमें जो कॉमेडी दिखाई गई है वो डेफिनेटली मुंजिया से तो बेटर ही है। बात करें हमारी वंडर वुमन श्रद्धा कपूर की, जो चुटिया हिला हिला के मार रही है, उनका राजकुमार राव को लव बाइट देने का तरीका बड़ा कैजुअल है, उंगली ही खा जाती है। हाँ, इससे याद आया हमारे रक्षक राजकुमार राव के बारे में, तो उनके तो भाई क्या ही कहने, आप ट्रेलर में समझ जाएंगे कि क्या ही उन्होंने एक्टिंग करी है, क्या ही उन्होंने डायलॉग्स मारे। बेसिकली डायलॉग्स की बात है, जैसे वो नाचते हैं, जैसे वो प्यार के पंचनामा की तरह डायलॉग फटफट फटफट बोलते जाते हैं, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। हालांकि राजकुमार राव जब शहंशाह बन के आएंगे तो जो उनको मार पड़ने वाली है वो देखने लायक होगी, क्योंकि वो एक अपने आप में अलग कॉमेडी होगी। बाकी शायद से इसमें स्त्री की भी कहानी दिखाई गई है कि तमन्ना भाटिया स्त्री कैसे बनी, मेरे को तो यही लग रहा है। बाकी गानों की अगर बात करें तो इसमें मिलेगी मिलेगी का वर्जन नया डाला है, आपने क्या सुना 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 पीछे डाला है ना, मिलेगी 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 मिलेगी, वाओ यार क्लबों में नाचूंगा इस पे, ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई, सॉरी सॉरी। बाकी पंचेज एक नंबर के मारे हैं बच्चन के ऊपर आमिर खान, ओ माय गॉड, वाह वाह वाह, एक ही डायलॉग में दो लोगों को धो दिया। सिनेमेटोग्राफी और वीएफएक्स की बात करें तो भेड़िया ने इन दोनों ही चीजों में
मैडॉक फिल्म्स को एक अलग लेवल का क्रिटिसिज्म दिया था, जिसको इसमें पूरा करते हुए मैडॉक फिल्म्स दिख भी रहा है। ये देखो, ये मेरी तरफ से एक इंटेलेक्चुअल पॉइंट था, और कुछ मत एक्सपेक्ट करना प्लीज। बाकी अगर बात करें हम मूवी देखने जाना चाहिए या नहीं, तो सवाल नहीं उठता इसमें कोई। जाओ मूवी देखो, कॉमेडी है, 15 अगस्त को आ रही है, हंस हंस के अच्छा टाइम पास होगा छुट्टी में। और देखते रहिए मेरा चैनल बॉल। खून पसीना, 20 साल बाद सूरज का सातवां घोड़ा, स्लीपी हॉलो, द लेजेंड ऑफ स्लीपी हॉलो में सरकटे भूत कॉन्सेप्ट के बाद अब स्त्री 2 में भी इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाने वाला है। ये कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, दर्शकों से इस कॉन्सेप्ट का हॉरर एंड थ्रिलर मूवीज में किया जा रहा है इस्तेमाल। और स्त्री 2 में स्त्री अब की बार चंदेरा की रक्षा इस काली शक्ति वाले भूत से करेगी, जिसके लिए चंदेरी की दीवारों पर लिखा है, ओ स्त्री रक्षा करना। ये कॉन्सेप्ट को VFX की मदद फिल्म में इस्तेमाल किए जाने वाला है। इस सरकटे भूत से फिल्म में हॉरर का जबरदस्त तड़का लगेगा, लेकिन कॉमेडी भी रहेगी, क्योंकि फिल्म राजकुमार अपार शक्ति खुरानन कैरेक्टर कॉमेडी लगाएगा। वही फिल्म में हॉरर कॉमेडी के अलावा रोमांस का तड़का फिर से स्त्री 2 में लगाएंगी, क्योंकि लास्ट टाइम ये अपने मिलेगी मिलेगी डांस नंबर से बहुत फेमस हुई थी, और उसी राह पर चलते रहे। इस बार भी श्रद्धा का डांस नंबर फिल्म में हो सकता है, क्योंकि मिलेगी मिलेगी ऑडियंस के बीच बहुत पॉपुलर हुआ था, जिससे अब तक 430 मिलियन व्यूज मिले हैं, तो मेकर्स इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। वही पहले स्त्री के अंत में दिखाया गया था कि श्रद्धा कपूर राजकुमार राव के साथ चंदेरी की भूतनी स्त्री को भगा देती हैं और चला देती हैं, मगर उस भूतनी की चुटिया जिसमें उसकी शक्तियां हैं वो श्रद्धा के पास नजर आती हैं। मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर टीजर शेयर करते हुए लिखा, इस बार चंदेरी में आजादी के दिन होगा आतंक। हॉरर यूनिवर्स की मुंजे में नजर आए भूत का भी कनेक्शन स्त्री से दिखाया गया है। फिल्म के एंड में छोटा सा सीन था जो बता रहा था कि मुंजिया और स्त्री का भी कनेक्शन हो सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि हॉरर यूनिवर्स की सारी खौफनाक शक्तियां एक साथ आने से क्या माहौल जमाएंगी। अमर कौशिक के डायरेक्शन में बनी स्त्री 2 मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स की 5वीं फिल्म है। इंडिपेंडेंस डे के मौके पर यानी 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। बोला आपको क्या लगता है, अपने राय, अपने कमेंट्स, अपने डिमांड सब कुछ कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड। स्त्री रक्षा करने वाली टैगलाइन से सबका दिल चुराने स्त्री आ रही है कल, यानी आपके घर। जी हाँ, स्त्री का ट्रेलर कब रिलीज हो रहा है। स्त्री की टैगलाइन से कपूरा के रितेश के कैरेक्टर विक्टर की याद आ गई, जिसमें ओ स्त्री कलाना और दूध भी साथ लाना जो टैगलाइन से स्त्री की भूतनी पर ताने कसरा था। वहीं अभिषेक बैनर्जी अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री से लेकर पाताल लोक सीरीज में उन्होंने अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर कर फैंस को मूवी बना लिया। खास बात यह है कि अब एक ही दिन उनकी दोनों फिल्में रिलीज होने जा रही हैं। पहले है स्त्री 2 जो दूसरी है एक्शन फिल्म वेदा। ये दोनों ही फिल्में एक ही दिन सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। इस बीच श्रद्धा कपूर ने स्त्री 2 के ट्रेलर रिलीज डेट का भी अनाउंस कर दिया। राजकुमार राव ने इंस्टाग्राम हैंडल पर स्त्री 2 के लेटेस्ट पोस्टर शेयर किए हैं। पहले पोस्टर में देखा जा सकता है एक महिला अपने लंबे बालों की चोटी को हाथ में पकड़े हुए नजर आ रही है। वहीं पोस्टर में एक शख्स है जो अंधेरे में खड़ा है। दोनों के चेहरों को रिवील नहीं किया गया। पोस्टर पर लिखा है, सरकटे का आतंक। इससे पहले भी खून पसीना, 20 साल बाद सूरज की सातवा घोड़ा, स्लीपी हॉलो, लेजेंड ऑफ स्लीपी हॉलो में सरकटे भूत कॉन्सेप्ट के बाद अब स्त्री 2 में इस नए कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया जाने वाला है। ये कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, दर्शकों से इस कॉन्सेप्ट का हॉरर एंड थ्रिलर मूवीज में किया जा रहा है इस्तेमाल। स्त्री 2 में स्त्री अब की बार चंदेरा की रक्षा इस काली शक्ति वाले भूत से करेगी, जिसके लिए चंदेरी की दीवारों पर लिखा है, ओ स्त्री रक्षा करना। एक्ट्रेस ने पोस्टर को शेयर करते हुए कैप्शन में स्त्री 2 के ट्रेलर रिलीज डेट की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, काली ताकत से सबका रक्षा करने वो आ रही है बस 2 दिन में। इसके अलावा श्रद्धा कपूर ने दूसरा पोस्टर भी शेयर किया, जिसके कैप्शन में लिखा है, आतंक जब चंदेरे पर छाया तब सबको एक ही नारा याद आया, ओ स्त्री रक्षा करना। ये फिल्म 15 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। श्रद्धा कपूर की हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 मैडॉक फिल्म की हॉरर यूनिवर्स की 5वीं मूवी है। इससे पहले इस फ्रेंचाइजी ने स्त्री, रूही, भेड़िया और मुंजिया जैसी फिल्में बन चुकी हैं। स्त्री 2 में राजकुमार राव के अलावा अभिषेक बैनर्जी, पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना और अन्य एक्टर्स दिखेंगे। फिल्म का डायरेक्शन अमर कौशिक ने किया है। आपको स्त्री का कितना इंतजार है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियो। तो क्या स्त्री 2 को 1000 करोड़ कमाने में अब भोजपुरी ऑडियंस करेगी हेल्प?
अरे क्यों नहीं भाई, अगर भोजपुरी इंडस्ट्री का बाहुबली इसके गाने में अपना जलवा दिखाएगा तो क्यों नहीं भला। नहीं नहीं, हमने कोई सस्ता नशा नहीं किया है दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। क्योंकि फिल्म स्त्री टू का सेकेंड सॉन्ग आई नई आउट होने के बाद इंस्टाग्राम पर नीचे पवन सिंह इस नाम को टैग किया हुआ देखा तो हमें भी थोड़ी देर के लिए लगा कि ये कोई रॉन्ग नंबर है। पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 27 साल से भोजपुरी इंडस्ट्री के बेताब बादशाह पवन सिंह ने ही ये गाना गाया है और पवन जी की पछों से सारी भोजपुरी जनता हो गई है असेंबल और अब वो टिकट निकाल कर जाएंगे बस ये 3 मिनट का गाना सुनने के लिए। तो इससे अब बॉक्स ऑफिस के आंकड़े में कितने जीरो लगेंगे ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। वैसे आज के जमाने में कहां मिलते हैं ऐसे सज्जन पुरुष, जरा आप ही बताओ श्रद्धा को। और ये सब काफी नहीं था दोस्तों कि अभिषेक बैनर्जी और बाद में हमारे कालीन भैया यानी कि पंकज त्रिपाठी जी भी ये गाना ज्वाइन करते हैं और पंकज जी ने राजकुमार राव को ज्वाइन करते हुए जो गाने के टेरेस लुइस की भाषा में चुम्बेश्वरी स्टेप्स पे के है ना धड़ाधड़ धड़ाधड़, उस पे तो मिथुन दा का एक ग्रैंड सल्यूट तो बनता ही है बॉस क्यों। और फिल्म के म्यूजिक कंपोजर सचिन जिगर यानी कि हमारे जिगर के टुकड़ों ने क्या म्यूजिक दिया है इसमें, सच में इससे बेटर उम्मीद नहीं कर सकते थे हम, क्योंकि इससे बेटर और क्या ही होता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो सच में स्त्री टू के इस बार के शेर पवन सिंह का पूरा बिहार, सारे भोजपुरी फैंस भी एडवांस बुकिंग का इंतजार कर रहे हैं। तो आप भी कर लीजिए अपने टिकट का प्रबंध, तो जल्दी मिलते हैं थिएटर में। आप इसके लिए एक्साइटेड है या फिर नहीं हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। स्त्री लवर्स बी अलर्ट, सब तैयार हो जाइए एक और सरप्राइज के लिए। जी हाँ, क्योंकि अब स्त्री टू का सेकेंड सॉन्ग भी आने वाला है, पर कब कहाँ कैसे। अरे भाई सारेगामा म्यूजिक वाले अपने ऑफिशियल चैनल पर ये गाना रिलीज करेंगे, वो भी आज यानी कि 1 अगस्त को, जिसका टीजर भी अभी शेयर किया गया है। वैसे टाइमिंग का तो पता नहीं, पर शायद ये गाना शाम को 5 से 6 बजे के बीच में आ सकता है। तो घड़ी के ऊपर ध्यान रखना, बाकी किसी पर नहीं, क्योंकि आपकी घड़ी भी इसी गाने का इंतजार कर रही है मेरे दोस्तों। वैसे इस गाने का नाम है आई नई और इस टीजर में हम देख सकते हैं कि राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर नजर आ रहे हैं यानी कि चंदेरी का क्यूट कपल, और पास में सनफ्लावर्स का मेला लगा हुआ है जहां पर कुछ फीमेल आर्टिस्ट के साथ राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर कड़क डांस स्टेप्स कर रहे हैं। पर शुरुआत में श्रद्धा जब अपनी लटक मटक वाली चाल के साथ आती है ना, तब हमें भेड़िया के ठुमकेश्वरी गाने की याद आती है। और इसे और थोड़ा देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये स्त्री के गाने मिलेगी मिलेगी की तरह कुछ हो सकता है, पर ये अभी तो हमारा अंदाजा ही है। वैसे मिलेगी मिलेगी मिका सिंह की आवाज में सुनाई दिया था, जिसे टोटल 175 मिलियन व्यूज मिल चुके थे यूट्यूब पर। और अब ये देखना है कि स्त्री टू का ये गाना कितने मिलियन व्यूज बटोरता है। हो सकता है कि ये गाना इसका रिकॉर्ड तोड़ दे। वैसे स्त्री टू के पहले गाने यानी तमन्ना भाटिया की उस आज की रात गाने को रिलीज के बाद 7 दिनों में अब तक 35 मिलियन व्यूज से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। पर अब देखना ये दोस्तों कि सेकेंड सॉन्ग क्या करता है। वैसे ये टीजर इंस्टाग्राम पर देखते वक्त नीचे क्रेडिट में पवन सिंह का नाम मेंशन था, और ये वही पवन सिंह है भोजपुरी इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर और सिंगर, यानी पवन सिंह ने ये गाना शायद गाया होगा, शायद इसीलिए बीच में गाना थोड़ा सा भोजपुरी की तरह साउंड कर रहा है। पर अब इसकी वजह से तो पवन सिंह की भोजपुरी ऑडियंस भी स्त्री को देखने के लिए जाएगी ना, मतलब अब तो भाई मजे ही मजे हैं। खैर, पर आप भी इस गाने का इंतजार करिए, मिस नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो आप इसके लिए एक्साइटेड है या फिर नहीं हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लगता है स्त्री टू के 1000 करोड़ तो पक्के है, क्योंकि मेगर्स ने सेटिंग ही ऐसी लगाई है बॉस। और अब तो कनाडा वाले भी ना उछलने लगे हैं इस स्त्री के लिए। अब आपको तो पता नहीं है कि इस साल का 15 अगस्त कितना धन्य धन्य होने वाला है, मतलब इस एक तारीख के लिए लोग कितने झगड़ रहे हैं। सत्ता मिर्जापुर की गद्दी के लिए भी लोग नहीं झगड़े होंगे। जी हाँ, खैर, पर इस वक्त साउथ वर्सेस नॉर्थ बिगेस्ट क्लैश भी नजर आ रहा है, जिसमें साउथ से चयन विक्रम की थंडलान है और नॉर्थ से श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म स्त्री टू आपस में भिड़ने वाली है। और अब डंकी वर्सेस सालार जैसा क्लैश लग रहा है ये, क्योंकि दोनों फिल्मों में स्टार पावर तो दिखाई देता ही है। और दूसरी ओर थंगलान एक्शन लवर्स के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगी, तो वही 2018 में आई स्त्री का ऑलरेडी अपना एक फैन बेस पहले से बना हुआ है और उसी लेगेसी को अब आगे बढ़ाया जा रहा है।
तो ऑलरेडी एक स्पेशल कनेक्शन भी है। पर एक बात और हमें मालूम चली है कि स्त्री का इंतजार सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी हो रहा है। जी हाँ, कनाडा वाले भी इसका इंतजार कर रहे हैं। आपको पता है कनाडा में स्त्री टू के कैरेक्टर्स की कटआउट्स लगे हैं और लोग उसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। फिल्म का टीजर ट्विटर दिखाया जा रहा है और इस फिल्म के लेटेस्ट सॉन्ग आज की रात को भी कुछ कनाडा ऑडियंस ने पसंद करके सोशल मीडिया पर अपने रिएक्शन दिए हैं। तो जहाँ देखो वहाँ लोग बस यही कह रहे हैं, ओ स्त्री इंडिया में आने के बाद जल्द जल्दी कनाडा में भी आना। इस स्त्री के दौरान ऐसा कुछ नहीं किया गया था, पर अभी इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोशन हो रहा है जो कि अच्छी बात है। इस स्त्री के दौरान कनाडा में इस फिल्म को एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 8 से 10 स्क्रीन्स मिली थी और अमेरिका में लगभग 60 स्क्रीन्स। तो इससे ये समझ में आता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने तब स्क्रीन्स के लिए कोई कोशिश नहीं की होगी। वो शायद थोड़े से डर गए होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये फिल्म उनका एक्सपेरिमेंट था। अब हॉरर कॉमेडी जॉनरा उनके लिए नया था, पर बाद में जब अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मतलब कि 25 से 30 करोड़ के बजट में 180 करोड़ का कलेक्शन किया इसने, और धीरे धीरे ये पिक्चर क्लियर हुई कि स्त्री मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स की सबसे बढ़िया फिल्म मानी जा रही है, तब मेकर्स ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ गया। पर अगर ये फिल्म इंडिया के साथ साथ ओवरसीज मार्केट में भी अपना जलवा दिखाती है तो फिर इस बार 1000 करोड़ की तो गारंटी है बॉस। मतलब उसके एक्सपेक्टेशंस तो हम रख ही सकते हैं, क्योंकि वैसे भी 15 अगस्त यानी हॉलीडे, उसके बाद शुक्रवार, फिर वीकेंड और फिर मंडे को है रक्षाबंधन, यानी ये 5 दिन काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं इस फिल्म के कलेक्शन के लिए। हाँ, अब विक्रम की थंगलान भी इसके साथ आने वाली है, तो ये बिल्कुल सालार वर्सेस डंक की टक्कर की तरह है। पर सालार में प्रभास होने की पुछवों से साउथ से लेकर नॉर्थ तक शोर काफी ज्यादा था, पर विक्रम हिंदी ऑडियंस से उतने कनेक्टेड नहीं है जितना कि प्रभास है। तो उस कंपैरिजन में नॉर्थ में ये फिल्म कितना कलेक्शन कर पाती है ये तो बहुत बड़ा डाउट है। खैर, पर देखते हैं कि क्या होता है और स्त्री जीतती है या फिर थंगलान। वैसे आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो सिनेमा है एक जंगल और इसके क्लैश है इसके कानून, क्योंकि यहाँ सभी फिल्में कह रही है हम भी है जोश में, बातें कर होश में। यू ना बिग बजट की हेगड़ी दिखा, अब 15 अगस्त पर मची की सिनेमा हॉल्स में भीड़, पर किसके हाथ लगेगी ज्यादा भीड़, स्त्री टू बेदा या फिर खेल खेल में। इसी क्लैश के कलेश में स्त्री टू के मेकर्स ने सीधी बात नो बकवास की है और सिनेमा को जंगल और सिनेमा क्लैश को जंगल का कानून बताया है। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म स्त्री टू एक मच अवेटेड फिल्म है जो 15 अगस्त को रिलीज होगी, लेकिन ये सोलो रिलीज फिल्म नहीं है। हॉरर कॉमेडी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की खेल खेल में और जॉन अब्राहम की बेदा से टकराएगी। स्त्री टू के मेकर्स ने माना कि इस तरह की लड़ाइयां अक्सर इंडस्ट्री में होती रहती है। उन्होंने कहा कि साल में केवल 52 वीक होते हैं, हम हिंदू रीति रिवाजों श्राद्ध आईपीएल रमजान के वक्त फिल्म रिलीज नहीं करते हैं, और अगर किसी खान की फिल्म रिलीज हो रही है या कोई बड़ी साउथ इंडियन फिल्म रिलीज हो रही है तो हमारे पास केवल 20 वीक बचता है, तो क्लैश होना तो तय है, अतः यही जंगल का कानून है। स्त्री टू के मेकर्स जो जीता वही सिकंदर वाली फील के साथ क्लैश में कूद रहे हैं। स्त्री टू 2018 की हिट फिल्म स्त्री का सीक्वल है जो क्रिटिक्स और बॉक्स ऑफिस पर भी सफल रही थी। अमर कौशिक द्वारा निर्देशित पहली फिल्म मध्य प्रदेश के चंदेरी शहर में सेट की गई थी और एक महिला आत्मा के इर्द गिर्द घूमती है जो नवरात्रि के फेस्टिवल के दौरान शहर के पुरुषों को उठा लेती है। वही मेकर्स के हिसाब से ये उनकी कंपनी की सबसे ज्यादा पैसा वसूल फिल्म है। ट्रेलर तो फिल्म का सिर्फ 10% है। इसकी हाइप को बनाए रखने के लिए फिल्म से एक गाना आउट हुआ था, नाम था आज की रात, जिसमें तमन्ना ने टेम्परेचर हाई कर दिया था, लेकिन उन्होंने खुद गाने को 5 डिग्री के ठंडे तापमान में शूट किया था। ये काफी चैलेंजिंग था, लेकिन सेट पर होना उनके लिए काफी मजेदार था। इस गाने को जो खास बनाता है वो ये है कि उन्होंने इसे अपने जन्मदिन पर शूट किया है। उन्हें लगता है कि एक एक्टर के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट अपने काम पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना होता है, और स्त्री टू की टीम के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। सुनने में आया है दोस्तों कि मेकर्स ने इस पार्ट को 150 साल पुरानी हवेली में शूट किया है। इस फिल्म का बड़ा पोर्शन चंदेरी और भोपाल में शूट हुआ है। भोपाल स्थित इस हवेली को लोग ताजमहल हवेली के नाम से पुकारते हैं। फिल्म के फर्स्ट पार्ट की भी शूटिंग इसी हवेली में हुई थी। लोकल लोगों की माने तो ये एक भूतिया हवेली है। हवेली को लेकर कई तरह के किस्से काफी मशहूर है, कुछ मान्यताएं भी है। ऐसे में पहले पार्ट की शूटिंग के दौरान
यहाँ क्रू मेंबर्स को स्थानीय लोगों से कई तरह की हिदायतें दी गई थी। हवेली में शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस और फीमेल जूनियर आर्टिस्ट को बाल खुले रखने की मनाही थी। इसके अलावा किसी को भी हवेली में अकेले घूमने की परमिशन नहीं थी। हवेली पिछले 30 से 40 सालों से खाली पड़ी हुई है। इसे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने किसी को रखरखाव के लिए दे दिया है और हवेली को होटल के तौर पर रेनोवेट करने की भी प्लानिंग चल रही है, पर अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। ऐसे में फिलहाल इस हवेली में कभी कभार फिल्मों की शूटिंग भी होती है। इस फिल्म के अलावा भी एमपी में कई बॉलीवुड फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग चल रही है। एमएस धोनी फेम डायरेक्टर नीरज पांडे ने हाल ही में यहाँ एक प्रोजेक्ट शूट किया है जिसका नाम सीक्रेट्स एंड रिलिक्स ऑफ गौतम बुद्ध है। इसके अलावा बंगाली फिल्म ब्योमकेशम दुर्गो रहस्य देवी यहाँ पर शूट हुई है। वहीं अजय देवगन और तब्बू स्टारर फिल्म औरों में कहा दम था भी यहाँ पर शूट हुई है जिसे नीरज पांडे ने ही डायरेक्ट किया है। इसके अलावा अभिषेक कपूर की फिल्म आजाद जिससे अजय देवगन के भांजे अमन देवगन और रवीना टंडन की बेटी राशा ठडानी भी डेब्यू करेंगी। वहीं वेब सीरीज पंचायत 3 की शूटिंग भी सीहोर में ही हुई थी। वरुण धवन और सामंथा की वेब सीरीज सिटाडेल भी एमपी के दतिया ग्वालियर और ओरछा में शूट हुई है। मानुषी छिल्लर स्टारर साउथ की फिल्म ऑपरेशन वैलेंटाइन भी एमपी में शूट हुई है। अब देखना तो ये है दोस्तों कि 15 अगस्त को सिनेमा का क्या माहौल रहता है। मेरा तो पक्का है कि मैं स्ट्रीट टू देखने के लिए जाने वाली हूँ। वैसे आप कौन से फिल्म देखने वाले हो हमें कमेंट्स में जरूर बताना। साथ ही वीडियो अन्ना पहाटिया को देखकर स्त्री टू के डायरेक्टर ने बेहद ही गंदा में हाथ धो लिए और निकाल दिया उनके अंदर का कीड़ा बाहर जो कब से उन्हें कह रहा था पहली फुर्सत में निकल। सच में स्त्री टू के डायरेक्टर अमर कौशिक पता नहीं कब से अपने अंदर का प्रभु देवा बाहर निकालने के लिए तरस रहे थे जो आखिर में बाहर आ ही गया। और स्त्री टू के गाने आज की रात में तमन्ना भाटिया की बाली उमरिया को देखने से ज्यादा हमारी आंखें 2 मिनट के लिए सिर्फ अमर पर ही टिकी हुई थी। अरे भाई अमर जी बाकी किसी को नहीं पर आपके मॉनिटर को तो पक्का पूरा लगा होगा। जिसे बीच चौराहे पर छोड़कर आप नाचने लगे तमन्ना के साथ दिस इज नॉट फेयर। वैसे अमर कौशिक का यू बीच बाराती बनकर डांस करना ये कोई पहली बार नहीं है। मतलब कि खुद डायरेक्टर साहब का अपनी फिल्मों में कैमियो करना ये कुछ नया नहीं है। जी हाँ ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ है इंडस्ट्री में। अरे भाई बहुत डाटा पड़ा है हमारे पास और इसमें पहली है साल 2023 की जवान जिसमें जिंदा बंदा गाने में शाहरुख खान के साथ एक और बंदा नजर आया था जिसे प्यार से डायरेक्टर ईडी कुमार कहा जाता है। अरे वो भी तो अपनी पुरानी ख्वाहिश पूरी कर रहे थे उस गाने में। वैसे इन्हें रणवीर सिंह से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए वरना क्या पता जल्द ही करंट मारने वाला परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए। खैर इनके बाहर प्रभु देवा को भी ले लीजिए आप जिन्होंने अक्षय कुमार की रावे राठौर में उनके साथ फ्लोर हिला दिया था चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता ऐसा करके। यही नहीं बल्कि सलमान खान की फिल्म वांटेड का जलवा गाना हो या फिर शाहिद कपूर की आर राजकुमार का गंदी बात हो ये अपने अंदर के डांस को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। बाय द वे यहाँ सिर्फ डांस परफॉर्मेंस की बात नहीं है मतलब कैमियो एक्टिंग के लिए भी किया जाता है जैसे कि अनुराग कश्यप ने अपनी फिल्म ब्लैक फ्राइडे में कैमियो किया था ISI एजेंट बनकर। और सच कहने तो कश्यप जी को एक्टिंग को भी ना काफी सीरियसली लेना चाहिए और फिल्म महाराजा देखने के बाद तो ये हमारा बहुत बड़ा स्टेटमेंट होगा। वैसे आपको पता है अयान मुखर्जी ने अपनी फिल्म ये जवानी है दीवानी में कैमियो किया था। जी हाँ जहाँ एक सीन में रणबीर कभी कभी मेरे दिल में गाना गा रहे हैं और वहीं पर अयान भी नजर आते हैं तो वही उसी फिल्म के बदतमीज दिल गाने में भी अयान ने अपना मुखड़ा दिखाया था। वैसे अपने डेब्यू फिल्म से डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने भी कैमरा पीस किया था वो भी रानी मुखर्जी और सैफ अली खान की फिल्म सलाम नमस्ते में। दोस्तों वैसे बॉलीवुड के साथ साथ टॉलीवुड में भी ये रिवाज फॉलो किया जाता है जैसे थलापति विजय की पोकिरी डायरेक्ट करने के साथ साथ पोकिरी फोल्डर नाम की ओपनिंग सॉन्ग में विजय और डॉक्टर प्रभुदेवा का डांस बैटल देखने को मिला था एकदम डबल करंट। इतना ही क्यों बल्कि छोटी मूर्ति महान कीर्ति वाले ER दुर्गादास की फिल्म थुपक्की के गूगल गूगल गाने में उन्होंने विजय के साथ स्टेज ज्वाइन किया था। तो ये है कुछ डॉक्टर्स जिन्होंने अपनी फिल्म के जरिए अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली और इसके चलते अब अमर कौशिक ने भी मौके पर चौका मार दिया। पैसे तमन्ना के लटकी झटके को साइड में कर हमारी नजरें तो सिर्फ इन पर ही थी पर तमन्ना भाटिया को सिर्फ ग्लैमर एक्ट करने के लिए लिया गया है क्या कोई रोल भी है इनका। तो ऐसा कहा जाता है कि तमन्ना इस फिल्म में शमा नाम का कोई कैरेक्टर निभाने वाली है और फैन थ्योरी के चलते
ये कहा जाता है कि जिस तरह से इस बार सर्कटा की आतंक से चंदेरी को बचाना है जो लड़कियों को किडनैप करता है, तो हो सकता है कि ये सर्कटा तमन्ना को भी किडनैप कर ले, जिसके चलते उनका जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ा दिया जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि उनका स्क्रीन टाइम लिमिटेड हो बस पेपी डांस नंबर के लिए, इसलिए शायद उन्हें इसमें लिया गया हो, क्योंकि फिलहाल डांस नंबर्स की वजह से वो काफी चर्चा में रहती है, जैसे कि जेलर ने कावलिया सॉन्ग। और इसके अलावा भी कुछ और करने वाली होंगी वो इस फिल्म में, तो भी हमें कोई एतराज थोड़ी ना है, हम तो टिकट निकाल कर देखने जाएंगे ही। फिलहाल आप इसके लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए हसीन चाल स्त्री टू में लाती दो स्त्री की ठार, चंदेरी की गलियों में एंट्री ली है शमा ने जो परवाने से जलने को है तैयार। और ये शमा और कोई नहीं बल्कि तमन्ना भाटिया है जो सावर था दिशा पाटनी को टक्कर देने को रेडी तैयार है। तमन्ना भाटिया ने स्त्री टू की नए आइटम सॉन्ग आज की रात परफॉर्म किया है। हाल के दिनों में लंबे गैप के बाद आइटम नंबर फिर से बज में आए हैं। हम कह सकते हैं कि अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा से उनतावा सामंथा का आइटम डांस बहुत हिट रहा था और इसने अन्य फिल्म मेकर्स को भी ऐसा करने के लिए काफी एक्साइटेड कर दिया था। अब तमन्ना के मैदान में उतरने का समय आ चुका है, जो आज की रात होना है जो हो जाने दो वाले मूड में शमा बनकर आई है। और ऐसी आई है कि स्त्री टू का ये आज की रात यूट्यूब पर नंबर 5 पर ट्रेंड कर रहा है, जिस 16 घंटे में 6.2 मिलियन व्यूज और 1 लाख लाइक्स मिल चुके हैं। कभी कभी कोई स्टार ऐसा म्यूजिक वीडियो लेकर आता है जो हमारी प्लेलिस्ट में इंक्लूड हो जाता है। शानदार परफॉर्मेंस से लेकर सुकून देने वाली स्क्रीन प्रेजेंस और शानदार डांस मूव्स तक ये एक्ट्रेस किसी भी वीडियो को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए हर तरह से बेस्ट चॉइस है। अगर गाना बहुत फीका है, तमन्ना की एनर्जी को गाने ने मैच ही नहीं किया, या फिर यूं कह लो कि तमन्ना की हॉटनेस के आगे गाना बिना कर पड़ गया। इससे पहले तमन्ना ने अपनी शानदार और सीफलिंग डांस नंबर कोडथे से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था। वहीं रजनीकांत की जेलर का आइटम सॉन्ग कवल्या ने भी तमन्ना ने अपने जलवे बिखेरे थे। कवल्या और स्त्री टू का आज की रात देखी तो दोनों में तमन्ना ने ग्रीन ड्रेस चुनी है, दोनों के हुक स्टेप भी लगभग एक जैसे है। बात सॉन्ग की करें तो इस गाने में वो उनतावा या फिर कवल्या वाला दम तो नहीं है, जिसकी उम्मीद बहुत सारे आइटम नंबर से की जाती है। अब गाने की पोल भले ही दमदार है, लेकिन इसका म्यूजिक कुछ खास नहीं है। इसके अलावा सिंगर मधुपंती बाक्षी की आवाज में भी कोई खास दम नहीं है। गाना सुनते हुए यह आपको आइटम सॉन्ग कम और कव्वाली की तरह ज्यादा लगती है, जिस पर धिक चिक म्यूजिक लगा दिया गया है। अब इस गाने को अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है, जो इससे कई बेहतर गाने पहले लिख चुके हैं। कुल मिलाकर ये गाना काफी बोरिंग है, या शाहरुख खान की आज की रात की लाज रख लेते थोड़ा सा। खैर ठीक है, इस बोरियत को स्त्री ठीक कर देगी, जो 15 अगस्त को चंदेरी गांव को साथ लेकर सिनेमा में आ रही है। वैसे आपको आज की रात कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, स्त्री आ गई है अपनी नई दोस्त के साथ आज की रात। जी हाँ, क्योंकि आज की रात कुछ होने को है रे बाबा। हाल ही में मैडॉक फिल्म्स ने एक पोस्ट शेयर किया है अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर, जहाँ ऑडियंस के लिए एक सरप्राइज ट्वीट कर रहा है। दरअसल फिल्म स्त्री 2 से जहाँ हर कोई ट्रेलर देखने के बाद स्त्री आ गई ऐसे नारे लगा रहे थे, वहीं दूसरी ओर फैंस तमन्ना भाटिया के बिना बेचैन आत्माओं की तरह भटक रहे थे। तो फैंस, आपको बता दूं कि भटकना बंद करिए और अपना सरप्राइज सुनिए और दिल बिना थाम लीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि तमन्ना भाटिया के डांस नंबर की झलक और गाने के बोल आ गए हैं सामने। तो गाने के बोल है आज की रात, और वहीं ग्लिम्स में पता चल रहा है कि ये गाना काफी सेंसुअल होने वाला है, जिसे कि आप जल्दी ना अपने प्लेलिस्ट में ऐड करने वाले हैं, इसकी गारंटी है। म्यूजिक दिया है सचिन जुगर ने, लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। वैसे इस गाने के बोल देखकर कई फैंस को ये लगेगा कि यार ये तो कुछ 80s की गजल की याद दिला रहा है। जी हाँ, फिल्म स्त्री 2 के ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च में सचिन जुगर ने इस गाने के बोल लाइव सुनाए थे कुछ लाइंस के साथ, जो सुनने के बाद सबके मुंह से बस एक ही बात निकली, क्या बवासीर है ये। क्योंकि अब जेन जी जनरेशन को आप बाबा आदम के जमाने के गाने सुनाओगे तो यही रिएक्शन मिलेगा ना आपको। लेकिन अब जो आज ऑफिशियल ग्लिम्स में सुना भाई, मजा आ गया, मतलब सचमुच मजा आ गया। मेकर्स ने हमें टोपी पहना दी है, बोल सेम है पर टोन बिल्कुल अलग है, वाह भाई। वैसे बोल से याद आया, आज की रात सुनते ही आपके मन में डॉन का आज की रात होना है क्या ये तो नहीं चलने लगा ना, ये आज की रात कोई आने को है रे बाबा ये चल रहा था क्या।
तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार आपको स्त्री टू के मेकर्स एकदम फ्रेश न्यू गाने के साथ चौंकाने वाले हैं। देख के लगता है कि आपको खटूबा खटूबा बाय आशा भोसले यानी अली बाबा 40 चोर मूवी के इस सॉन्ग की याद दिला सकता है ये, बट गाने से नहीं बल्कि वाइब और डांसिंग से। वैसे इस गाने को कोरियोग्राफ किया है विजय गांगुली ने, जिन्होंने इससे पहले स्त्री टू के मिलेगी मिलेगी सॉन्ग को भी कोरियोग्राफ किया था। गलती से मिस्टेक जिसकी कोरियोग्राफी के लिए नेशनल अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं। केसरी, अंधाधुन, बाला बधाई हो जैसी कई फिल्मों में अपना जादू दिखा चुके हैं। अब देखते हैं आज जब ये गाना शाम 6 बजे आएगा तो क्या नया रिकॉर्ड बनाता है, क्योंकि जहां पिछले फिल्म के डांस नंबर मिलेगी मिलेगी ने 230 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज अपने नाम कर लिए थे, वहीं आज की रात कितने व्यूज अपने नाम करती है। वैसे आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर। और जॉन अब्राहम से स्त्री टू के प्रोड्यूसर हैं थोड़े खफा खफा। स्त्री टू के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर फिल्म की पूरी स्टार कास्ट टीम, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मौजूद थे। जब इस क्लैश पर स्त्री टू के प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे से पूछा गया तो उन्होंने कुछ मजेदार जवाब दिया। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की स्त्री टू का ट्रेलर आ चुका है, जिसे देखकर जनता तो बम बम हो गई है भाई। पिक्चर 15 अगस्त को रिलीज के स्केड्यूल में है। मसला ये है कि इसका क्लैश होगा अक्षय कुमार की मल्टी स्टार और फिल्म खेल खेल में और जॉन अब्राहम की वेदा से। ऐसे में तीनों ही फिल्मों को नुकसान होने की पूरी संभावना है। जब इस क्लैश पर स्त्री टू के प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे से पूछा गया तो उन्होंने मजेदार जवाब दिया। स्त्री टू के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर फिल्म की पूरी स्टार कास्ट टीम, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मौजूद थे। दिनेश विजन के साथ को प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे भी इस मौके पर मौजूद थे। जब फिल्म के क्लैश को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा, एक साल में 52 वीक्स होते हैं, हम शुरुआत के दिनों में, रमजान में, आईपीएल में या जब अपनी फिल्में रिलीज नहीं कर पाते, दैट मीन्स जब कोई खान अपनी फिल्मों को रिलीज करते हैं, ऐसे में हमारे पास सिर्फ 20 हफ्ते ही बचते हैं, तो क्लैश तो होना ही है, बस बचता वही है जो बेस्ट होता है, यही जंगल का नियम है। इसी इवेंट में दिनेश विजन ने स्त्री टू के अलावा स्त्री थ्री पर भी अपडेट दिया। दिनेश विजन ने बताया कि स्त्री टू के बाद वो एक फिल्म ला रहे हैं जिसका नाम होगा थामा। उन्होंने स्त्री थ्री की कहानी भी लिख ली है, तो स्त्री टू के बाद स्त्री थ्री के लिए लोगों को ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा स्त्री टू में होने वाले एक कैमियो को लेकर भी चर्चा चल रही है। बताया जा रहा है कि वो स्त्री टू में अक्षय कुमार का कैमियो करवा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स उनके कैमियो को पूरी तरह से सरप्राइज रखना चाहते हैं, उसी के चलते तो उनके लुक की फोटो कहीं भी शेयर नहीं की गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई यूजर्स लिख रहे हैं कि अक्षय स्त्री टू का हिस्सा है। बीते साल अक्टूबर में पंकज त्रिपाठी द लल्लन टॉप के प्रोग्राम गेस्ट इन द न्यूज रूम में बतौर गेस्ट आए थे। वहां उन्होंने स्त्री टू की कास्टिंग को लेकर एक हिंट दिया था। अब लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि इस वीडियो में पंकज अक्षय के कैमियो की ही बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि स्त्री टू में अक्षय कुमार नजर आने वाले हैं। वैसे ऐसा पहली बार नहीं होगा जब अक्षय ऐसे एक तरह से क्रॉस प्रमोशन में दिखाई देंगे। इससे पहले उनकी फिल्म ओएमजी 2 का क्लैश सनी देओल की गदर 2 से हुआ, जिसमें ओएमजी 2 में एक सीन में अक्षय सनी की फिल्म बॉर्डर का गाना गाते दिख रहे। अब ऐसा ही कुछ स्त्री टू के साथ होने जा रहा है। उसी दिन अक्षय की खेल खेल में भी रिलीज हो रही है और उसी दिन अक्षय स्त्री टू में भी कैमियो करते नजर आ रहे हैं। वेल, देखना ये होगा कि जब ये क्लैश होगा तो माहौल कैसा बनेगा। वेल, आप कितना एक्साइटेड हैं इस क्लैश के लिए, आप कौन सी मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राफ। हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री टू ने तहलका मचा दिया है। पहले फिल्म के पोस्टर्स ने लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ाई, वहीं अब फिल्म के ट्रेलर ने लोगों को हैरान कर दिया है। ट्रेलर देखने के बाद लोग श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी की फिल्म स्त्री टू देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो गए हैं। वो सोशल मीडिया पर ट्रेलर के बारे में ही बातें कर रहे हैं। ट्रेलर के मुताबिक स्त्री टू की कहानी चंदेरी गांव के इर्द गिर्द घूमती है। स्त्री के जाने के बाद अब चंदेरी में सिरकटे की एंट्री होती है। सिरकटे स्त्री से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जहां स्त्री चंदेरी के आदमियों पर हमला करती थी, वहीं सिरकटे चंदेरी की औरतों पर हमला करेगा। ऐसे में श्रद्धा कपूर स्त्री बनकर लोगों की रक्षा करेगी, लेकिन सरकटे के चेहरे को छुपा कर रखा गया है। ट्रेलर देखने के बाद एक यूजर ने लिखा, स्त्री टू का ट्रेलर तो अच्छा लग रहा है, कॉमेडी का लेवल वही है और लगता है हॉरर का लेवल बढ़ा दिया गया है। दूसरे यूजर ने लिखा, 15 अगस्त का इंतजार नहीं हो रहा है। तीसरे ने लिखा, मुझे पता था कि श्रद्धा ही स्त्री है, लेकिन सरकटा कौन है? ट्रेलर में सबको दिखा दिया, पर जो मिसिंग है वो है अक्षय कुमार। तो क्या अक्षय कुमार को एज भूत दिनेश इंट्रोड्यूस करेंगे?
क्योंकि उन्होंने अपनी नेक्स्ट फिल्म थामा की भी अनाउंसमेंट कर दी है जो कि स्त्री 2 के बाद रिलीज होने वाली है। तो जैसे कि वो हर फिल्म में अपनी आगे आने वाली फिल्म की भूमिका तैयार करते हैं, तो अक्षय के लिए ये स्त्री 2 एक भूमिका हो सकती है। वही स्त्री 2 के साथ 15 अगस्त को अक्षय कुमार की खेल खेल में भी रिलीज हो रही है। ऐसे में स्त्री 2 का ट्रेलर रिस्पॉन्स देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि अक्षय की खेल खेल को ना सेम डेट रिलीज नहीं होना चाहिए, वरना फिर नुकसान हो जाएगा। समझदारी तो यही होगी कि वो अपनी फिल्म की रिलीज डेट ना आगे खिसका दे, ताकि सरफरा और जो बाकी फिल्मों के साथ हुआ वो इसके साथ रिपीट ना हो जाए, क्योंकि अक्षय का करियर फिलहाल तो बहुत ही क्रूशियल स्टेज पर है। ऐसे में स्त्री से टकराना कोई समझदारी के काम तो है नहीं, क्योंकि वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। दिनेश वर्जन निर्मित स्त्री साल 2018 में रिलीज हुई थी। 6 साल पहले लोगों ने इस हॉरर कॉमेडी फिल्म को खूब प्यार दिया था। 30 करोड़ रुपए के बजट बनी इस फिल्म ने इंडिया में 129.83 करोड़ रुपीस और वर्ल्ड वाइड 182 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया था। वहीं अब 15 अगस्त के दिन इसका दूसरा पार्ट आने वाला है। इस बार इसमें श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव, अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बैनर्जी के अलावा तमन्ना भाटिया भी नजर आएंगी। आपको स्त्री के आने का कितना इंतजार है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर। दोस्तों लगता है हमारी स्त्री मार्वल का चक्कर काट कर आ चुकी है और मार्वल वालों ने लौटते वक्त गिफ्ट के तौर पर कोई पावर वगैरह दे दिया है, क्योंकि अब एक खास पावर होने वाला है स्त्री के पास। जैसे चंदेरी का हर आदमी रणवीर सिंह का करेंट लगा रहे ये वाला गाना गाने वाला है, क्योंकि अब ट्विटर आने की न्यूज बताने के साथ साथ मेडॉक वालों ने कुछ पोस्टर्स भी शेयर किए हैं और उससे हमें ये पावर का सीक्रेट पता चल चुका है। तो स्त्री 2 का ट्रेलर आने वाला है बस 2 दिनों में, यानी कि 18 जुलाई को, और ये बताते हुए मेडॉक वालों ने एक दिन में फटाफट से 2 पोस्टर्स रिलीज किए हैं, जो कि हमें समझ में नहीं आया कि भाई इतनी देर से इतनी शांति थी और अचानक से कौन सी आत्मा आ गई इनके अंदर कि एक दिन में 2 पोस्टर्स डाल रहे हैं ये लोग। शायद हमें इस पावर से चार्ज करना चाहते होंगे। वैसे इनकी क्रिएटिविटी अच्छी थी इसलिए माफ कर देते हैं, पर सच में ये पोस्टर्स देखकर तो हम हिल गए। मतलब अब स्त्री 2.0 देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसमें एक पोस्टर में हमें सरकटा जिसका आतंक है चंदेरी में वो दिखाई देता है, और सरकटा के हाथ में किसी की कटी हुई मुंडी है और उसके सामने खड़ी है स्त्री, वो भी अपनी चोटी के साथ। पर स्त्री की चोटी अब कोई साधारण चोटी नहीं है, बल्कि उसका पावर अब जानलेवा होने वाला है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक पावर होने वाला है। और पोस्टर से तो स्त्री श्रद्धा कपूर ही लग रही है, मतलब अब श्रद्धा कपूर करंट भी मारेगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पर इतना जरूर कि सरकटा का आतंक मिटाने के लिए अब इलेक्ट्रिक पावर वाली चोटी काम करेगी, बिल्कुल किसी जादू की छड़ी की तरह। वैसे ये बहुत ही एडवांस चोटी लग रही है, पर आपको पता है बेसिकली ये चोटी वाला कंसेप्ट उतना भी नया नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमने चोटी पर बनी एक फिल्म देखी है, जैसे कि इमरान हाशमी, हुमा कुरैशी शर्मा, कोंकणा सेन शर्मा की 2013 की फिल्म एक थी डायन। उसमें चोटी क्या खेल खेल रही थी भाई, और इसका क्लाइमैक्स इतना खतरनाक था कि उसमें डायन बनी कोंकणा सिंह की लंबी सी चोटी कभी इमरान के गले का फंदा बन जाती है, कभी इधर से उधर उन्हें फेंक देती है, और फिर इधर से तो फटकने के बाद फाइनली उसकी वो चोटी काट दी जाती है और डायन इनविजिबल हो जाती है, क्योंकि उसका पावर टोटल गुल हो जाता है। तो ऐसा चोटी काटने वाला कंसेप्ट हमने स्त्री में भी देखा है, तो कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी हमें यहाँ पर नजर आती है। बट एक थी डायन में जो चोटी दिखाई गई थी वो इतनी लंबी थी कि इतने लंबे सांप तो हमने खतरों के खिलाड़ी में भी नहीं देखा होगा। तो शायद ऐसी चोटी से इंस्पायर्ड होकर स्त्री बनाई गई होगी और टीवी शोज बनाए गए हैं, जैसे कि स्टार प्लस का वो टीवी शो नजर आपको याद होगा, जिसमें भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा से ज्यादा उसकी चोटी ही एक्टिंग कर रही थी। खैर, पर इस बार मेडॉक सुपर नेचुरल हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को सुपर पावरफुल फैंटेसी यूनिवर्स बदलने का पूरा पूरा इरादा है। तो 15 अगस्त को स्त्री जब आएगी ना, तब देखना है कि कैसे वो इस इलेक्ट्रिक चोटी की सबकी रक्षा करती है। फिलहाल दोस्तों आप इसके लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक। दोस्तों लगता है कि अब करण जौहर हीरा पीरी वाली राजू की तरह 25 दिनों में पैसा डबल वाली को स्कीम आजमाना चाहते हैं, और उनकी स्कीम से स्त्री का बहुत बड़ा कनेक्शन होगा, क्योंकि वो स्त्री है, वो तो कुछ भी कर सकती है। और अब स्त्री 2 का ट्रेलर रिलीज होने वाला है, जिसका कनेक्शन होगा करण से, मतलब कि उनकी अपकमिंग फिल्म बैड न्यूज के साथ। वैसे कनेक्शन तो हम आपको बताएंगे ही, पर उससे पहले स्त्री का मतलब कि श्रद्धा कपूर का नाम तो जान लीजिए। तो स्त्री का नाम होगा गायत्री। तो अब ओ स्त्री रक्षा करना ऐसे नहीं, बल्कि ओ गायत्री रक्षा करना ये कहना शुरू कर लीजिए। लगता है कि हम भूत को भगाने के लिए सब लोग गायत्री मंत्र पढ़ने वाले हैं। या और अब आते हैं उस कनेक्शन पर। तो बात ये है कि करण जौहर की फिल्म बैड न्यूज
जो कि 19 जुलाई को रिलीज होने वाली है। उसके एंड में हमें स्त्री 2 का ट्रेलर दिखाया जाएगा। वैसे स्त्री 2 का ट्रेलर एक्चुअली 18 जुलाई को रिलीज होने वाला है, पर वो इस फिल्म के साथ अटैच किया जाएगा। पर यहाँ ना हमें गलत किस्म की बू आ रही है, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ जरूर है दया। अब मतलब कि पैन न्यूज देखने के लिए स्त्री के फैंस को भी थिएटर तक लाया जाएगा। अरे अरे, इसी तो कहते हैं स्ट्रैटेजी और अंडे का फंडा, मतलब कि बिजनेस फंडा। लगता है कि अब एक ऐसा ट्रेंड शुरू होने वाला है फिल्म का क्रेज हाइप और कलेक्शन को बढ़ाने के लिए, किसी मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म का ट्रेलर टीजर अटैच कर दो और फिल्म के फैंस को भी ना अपने साथ जोड़ लो, ताकि जेब में ना पैसा ही पैसा आ जाए। पर स्त्री वाले इस बात के लिए क्यों मान गए? देखिए, पहली बात तो ये है कि स्त्री 2 एक मोस्ट अवेटेड फिल्म है और वो एक कॉमेडी हॉरर फिल्म है, और बैड न्यूज की बात करें तो वो भी एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, यानी कॉमेडी तो दोनों में कॉमन है। ऐसे में बैड न्यूज जैसी फिल्म के साथ स्त्री 2 का ट्रेलर ऐड करना सही साबित होता है। अब स्त्री 2 का ट्रेलर इंडियन 2 जैसी करप्शन बेस्ड फिल्म के साथ अगर लगता तो ऊपर की फिट नहीं बैठता, क्योंकि वो हल्की फुल्की मजाकिया फिल्म के साथ ही ठीक बैठ सकता है। इसलिए जो लोग कॉमेडी जॉनर के बहुत बड़े फैन है उनके लिए तो ये डबल ट्रीट हो जाएगी। जैसे बैड न्यूज देखने के साथ साथ स्त्री 2 का ट्रेलर बिल्कुल फ्री। हाँ, अब आप इसमें ये भी कह सकती हो कि अक्षय कुमार की रिसेंटली रिलीज फिल्म सरफिराज के डांस का ट्रेलर अटैच कर सकते थे मेकर्स, क्योंकि अक्षय का क्या मियो स्त्री 2 में होने वाला है ऐसी चर्चा है। इसका मतलब स्त्री 2 का ट्रेलर देखने के लिए अक्षय के फैंस पे जमकर भीड़ लगाएंगे। वाह, यानी सरफिराज को देखने के लिए भी श्रद्धा, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अक्षय कुमार, स्त्री फिल्म, मैडॉक्स, सुपरनैचुरल यूनिवर्स सबके फैंस भी भीड़ लगाते, तो डेफिनेटली फायदा ही होता, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और अक्षय कुमार की फिल्म जो पहले दिन 2 करोड़ कमाई कर पाई थी ना, वो तो कम से कम 7 से 8 करोड़ कमाई कर ही लेती। और दूसरी बात ये भी दोस्तों कि सरफिराज को लेकर जो ट्रोलिंग हो रही थी, जैसे कि वो एक तमिल फिल्म का रीमेक है जिसकी वजह से कुछ लोग नाराज थे और इसकी मार्केटिंग सही तरीके से नहीं हो रही थी, लोग उतना यकीन नहीं दिखा रहे थे, शायद इस वजह से 3-2 वालों को भी नुकसान हो जाता। पर बैड न्यूज की सब्सटीट्यूट का ट्रेलर लगाना सही तरीका है, और जाहिर तौर पर लोग तृप्ति बिंदी, विकी कौशल और इस फिल्म के कंटेंट को लेकर अभी काफी एक्साइटेड है। वो सारे फैंस तो बैड न्यूज के लिए भीड़ लगाएंगे ही, पर इसका 3-2 के ट्रेलर को भी ना फायदा हो सकता है ना, क्योंकि बैड न्यूज स्टार के फैंस एंड तक रुकेंगे ही, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बिजनेस स्ट्रैटेजी यहाँ पर हमें दिखाई देती है। हाँ, हालांकि जो लोग 18 जुलाई को 3-2 का ट्रेलर देखेंगे वो बैड न्यूज के एंड तक पॉसिबिलिटी की ना रुके, अगर उन्हें फिल्म अच्छी ना लगी तो, पर अगर अच्छी लगी हो तो वो पक्का रुकेंगे। पर कुछ भी कहो, मतलब बस फिल्म में ही स्त्री को सबकी रक्षा नहीं करनी है, बल्कि अब बैड न्यूज की भी रक्षा करनी है, तो स्त्री प्लीज इसकी रक्षा करना। फिलहाल दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो VFX ये भी 3 लेटर्स का छोटा सा ही शब्द है, पर इसके धमाके किसी एटम बॉम्ब से कम नहीं होते। मतलब बाहुबली हो, रॉकी भाई हो, पुष्पा भाई हो, इन्हें भी इस छोटे पैकेट की जरूरत पड़ी है। पर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पैन इंडिया के लिए जरूरी है, बल्कि हॉरर दुनिया में भी इस VFX का डेब्यू कब का हो चुका है, और अब स्त्री को भी इसकी जरूरत पड़ी है, इसलिए तो उसने आने में थोड़ी सी देर लगा दी। पर स्त्री को इसकी जरूरत क्या, वो तो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। हाँ भाई, वो कर सकती है, पर अब हमारी खातिरदारी में कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए ना, इसीलिए स्त्री 2 में भी VFX इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी एक छोटी सी झलक हमने टीजर में देखी। वो चुड़ैल तो आपको याद होगी ना, और हवा में लटकने वाली औरत, तो एक बार चिल मारिए, मस्त विजुअली स्टंटिंग एक्सपीरियंस देने का प्लान है इन लोगों का, जिसके पीछे हाथ होगा असित जयकार और रविंदर जोशी नाम की VFX सुपरवाइजर्स का, जिन्होंने इससे पहले कल की 2890 के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। तो VFX के मामले में स्त्री 2 तो बढ़िया होगी, और बाकी सबको अभी पर्दे पर ही रखा है, और स्त्री 2 जैसी फिल्मों में VFX का इस्तेमाल करना मतलब कोई तो सरप्राइज होगा, क्योंकि अगर मिडॉक सुपरनैचुरल हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में देखिए तो भेड़िया में भी VFX का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि वरुण धवन का भेड़िया ट्रांसफॉर्मेशन काफी दिखाना जरूरी था, तो कहानी की वजह से भी विजुअल इफेक्ट की डिमांड होती है। वैसे अब तक तो हम सोचते थे कि भाई ब्रह्मास्त्र जैसी फैंटेसी फिल्म या RRR, बाहुबली या कल की 2890 यही फिल्म में VFX इस्तेमाल कर चुकी है और बेंचमार्क सेट कर चुकी है, पर अब मार्केट बदल रहा है,
हॉरर फिल्मों में VFX इस्तेमाल हो रहा है और इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है बाबा, बल्कि एंटरटेनमेंट का मजा बढ़ाने का यही तो मोटिव होता है। इसके इस्तेमाल से क्रिएशन ऑफ टेरिफाइंग क्रिएचर्स आज पॉसिबल हो चुका है। एनिमेशन, टेक्सचरिंग एंड लाइटनिंग टेक्निक्स की मदद से एक रियलिस्टिक मॉन्स्टर क्रिएट किया जाता है जो एक्चुअल में फिल्म का हीरो बन जाता है, जिसका ताज़ा एग्जाम्पल है मिडॉग का मुंजिया। इतना ही क्यों, दूसरा एग्जाम्पल है अनुष्का शर्मा की फिल्म परी, जिसमें वो खुद भूतनी बनी थी। और आपको पता है ऐसी फिल्मों में आत्मा या भूत बने आर्टिस्ट के पैर गायब करने के लिए तो VFX चाहिए ही होता है, और VFX की मदद से ही अनुष्का के पैर भी गायब कर दिए गए थे। इतना ही नहीं बल्कि काफी ज्यादा मूवीज में ऐसा दिखाते हैं, जैसे जालियांवाला बाग की एक सीन जिसमें पूरा गार्डन VFX की मदद से क्रिएट किया जाता है, क्योंकि सब असल जगह पे शूटिंग करना अलाउड नहीं होता, तो ऐसा केस में भी VFX काम आता है और इसी वजह से वे सीन पर्दे पर काफी ज्यादा कमाल करते हैं। एक दो मिनट के लिए तो ऐसा लगा कि सच में हम जालियांवाला बाग देख रहे हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं भूल भुलैया 2 का। अब कार्तिक आर्यन की इस फिल्म में जितनी कॉमेडी थी उतना ही हॉरर था, और इस फिल्म में भी VFX का इस्तेमाल करना पड़ा। वो भी क्यों, क्योंकि हमें एक अलग तरीके की अंजुलिका और मंजुलिका इसमें देखने को मिली, और दोनों के रोल्स तब्बू ने ही किए थे, और यंग अंजुलिका मंजुलिका को दिखाना, उनकी पास्ट स्टोरी दिखाने के लिए, तो ये तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा अमेजिंग टेक्निक के साथ ही पॉसिबल था। और फिर तब्बू के डबल रोल, मतलब मूवी में एक ही फ्रेम में दो तब्बू, वह भी तो VFX का ही कमाल था ना भाई। और ऐसे सीन में जब हम पर्दे पर देखते हैं तो गूज़बम्प्स वाले बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, तो हमें ऐसा ही लगता है कि सच में दो तब्बू एक साथ एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है। तो ये सब VFX की ही तो कृपा है, और ये मजा बढ़ाने की वजह से ही तो VFX फिल्म का तीसरा हीरो बनता है कॉन्टेंट और एक्टर्स के बाद। सही कहा ना। वेल, आप कितना अग्री करते हैं हमारी बात से हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियो। ब्रेकिंग न्यूज, तो सुनने में आया है कि खुद को साबित करने के लिए अक्षय ने स्त्री का सहारा लिया है। वेल, शायद इसीलिए कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे स्त्री का हाथ होता ही होता है। एंड बिकॉज आई डोंट लाई, तो स्त्री भी अक्षय को हिट कर पाएगी या नहीं, ये थोड़ा कंफ्यूजन तो है, क्योंकि जब नहीं हो किस्मत राजी तो आखिर क्या करेगी स्त्री और उसकी साथी। वेल, 2024 शुरू नहीं होता है और अक्षय कुमार का बज शुरू हो जाता है। इस वक्त उनकी पाइपलाइन में कई बड़ी बड़ी फिल्में ऑलरेडी हैं। सरफिरा हुई, स्काई फोर्स, कनप्पा और सिंगम अगेन में भी कैमियो कर रहे हैं। ये सही है, लगता है अक्षय पाजी की फुल लेंथ वाली मूवीज नहीं चल रही हैं, तो अब कैमियोस का रास्ता अपना रहे हैं, और एक्चुअली सही भी है क्योंकि जारी रखनी चाहिए जो भी हो, जाने कब कौन सा पत्ता फिट बैठ जाए। वैसे अक्षय कुमार ने हॉरर मूवीज में जो कैमियो करने वाली बात की है ना, वो काफी सही की है, क्योंकि मेरे हिसाब से जब भी अक्षय कुमार और हॉरर मूवीज का कॉम्बिनेशन साथ में सुनने को मिलता है तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, एंड दैट इज भूल भुलैया। और हम सबको पता है कि उस एक फिल्म ने हमारा क्या हाल किया था, इतना बौकाल मचाया था, आई कांट इवन से। हालांकि अगले पार्ट में उनका पत्ता कट गया था फॉर ऑब्वियस रीजंस, एंड अब कार्तिक आर्यन ही आ रहे हैं इसके अगले पार्ट में नजर। लेकिन जो प्रियदर्शन नहीं समझ पाए वो है स्त्री के मेकर्स, जो कि समझ गए। फिर क्या, अक्षय ने स्त्री को जीत लिया। वैसे 15 अगस्त को कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली थी, जैसे पिछले दिन अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 आने वाली थी, पर अब फॉर सम रीजन वो पोस्टपोन हो गई, और अब ये पिक्चर 6 दिसंबर को आ रही है। पर जिन फिल्मों को इसी दिन रिलीज करने का ऐलान किया है उसमें श्रद्धा और राजकुमार राव की स्त्री 2 शामिल है, जिसमें गेस व्हाट, अक्षय का कैमियो है। ऐसे लोगों का मानना है, और माने भी क्यों ना, उन्हें लगता है कि अक्षय कुमार की जो कॉमेडी टाइमिंग है वो काफी जबरदस्त है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई मेकर्स वांट कास्ट अक्षय कुमार कैमियो रोल के लिए, क्योंकि उनका मानना है कि अगर फिल्म में अक्षय कुमार कुछ मिनटों के लिए भी आ जाए तो फिल्म हिट हो जाती है। हालांकि अगर उनके रोल की बात करें तो जिस तरीके से भूल भुलैया में उनके साइकाइट्रिस्ट की भूमिका उन्होंने निभाई, तो पॉसिबल है कि स्त्री 2 में भी वैसे ही टाइप का कोई किरदार उनको निभाने को मिले। सी वेल, अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली दो हॉरर यूनिवर्स एक साथ जुड़ जाएंगे, जिसकी जर्नी ऑब्वियसली आगे जाकर बड़ी हो जाएगी, इन दोनों यूनिवर्स को फायदा भी होगा। वेल, आपने इस पर क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड। हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की प्रिंसेस 3 आ रही है 15 अगस्त को। वैसे 3 ने बिना क्या टाइमिंग चुना है, मतलब इंडिपेंडेंस डे पर आकर ये सबको डर से इंडिपेंडेंस दिलाने वाली है। वाह, ये तो एकता कपूर की टीवी सीरियल की बहुओं से भी ना बड़ी संस्कारी निकली। पर लगता है कि स्त्री का मन एक दो बार आने से ना नहीं भरेगा, वो बार बार आना चाहती है, और इसका हिंट हमें फिल्म के डायरेक्टर अमर कौशिक ने दिया है।
तो डायरेक्टर अमर कौशिक जिन्होंने 2018 की सुपर हिट फिल्म स्त्री बनाई थी और जो स्त्री 2 लेकर आ रहे हैं उनका ऐसा कहना है कि स्त्री पार्ट 3 भी बन सकता है और स्त्री 4 भी बन सकती है, पर पहले स्त्री 2 को लेकर ऑडियंस का रिस्पॉन्स वो देखना चाहते हैं, उसके बाद ही वो बाकी कहानियां लेकर आ सकते हैं। क्योंकि भाई ये कोई अहमद खान थोड़ी है जिन्हें पता होता है कि ऑडियंस बागी सीरीज से बोर हो चुकी है, तभी बागी के पार्ट्स लाते ही रहते हैं और टाइगर श्रॉफ को हम पे थोपते रहते हैं। पर अमर जी ऐसा नहीं करना चाहते हैं, पर इसका मतलब उनके पास कहानियां तो है, बहुत कुछ बताना बाकी है। और इससे एक चीज समझ में आती दोस्तों कि अगर अगले पार्ट लाने का मौका मिला तो फिर से हमें नए नए चेहरे इसमें देखने को मिलने वाले हैं। और जैसे कि मुंजिया में हमें पहले आलिया भट्ट नजर आने वाली थी, तो क्या पता इस स्त्री के अगले पार्ट्स में उन्हें घुसा दिया जाए और यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए एक नई कोशिश की जाए। और हम अभी सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं कर रहे, बल्कि इसमें साउथ वाले भी नजर आ सकते हैं। अब जैसे कि श्रद्धा कपूर की स्त्री के बाद यानी एक चुड़ैल के बाद इस यूनिवर्स में वरुण धवन की भेड़िया आ गई, तो वो एक वुल्फ की कहानी थी और स्त्री और भेड़िया का कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है जो स्त्री 2 से पता चलेगा। और मुंजिया जैसी फिल्म में हमें भेड़िया नजर आया था, यानी कि भेड़िया का यहाँ पर भी कोई कनेक्शन हो सकता है। पर इस सब के जरिए हम मुंजिया ऐसे राक्षस से भी मिले हैं, तो चुड़ैल वुल्फ और राक्षस के बाद अब बस एक वैम्पायर की कमी है। तो अब टेंशन मत लीजिए, शायद वैम्पायर भी जरूर आएगा इस यूनिवर्स में, क्योंकि बहुत पहले ऐसी तगड़ी चर्चा थी कि मैडॉक के प्रोड्यूसर दिनेश विजन की फिल्म बाला में काम कर चुके एक्टर आयुष्मान खुराना वैम्पायर ऑफ विजयनगर नाम की एक फिल्म के जरिए इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें कि वो वैम्पायर बनकर नजर आ सकते हैं। और आपको पता है दोस्तों, आयुष्मान खुराना के साथ कभी सामंथा रुथ प्रभु का नाम भी जोड़ा जा रहा था, तो कभी रश्मिका मंदाना का, यानी कि 2 पुष्पा गर्ल्स। इसलिए तो हमने कहा कि भाई साउथ वाले भी ना इसमें एंट्री ले सकते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ बॉलीवुड वाले ही नजर आएंगे। वैसे भी क्या साउथ और क्या नॉर्थ, हम सब तो एक है ना अब। और हो सकता है कि जैसे भेड़िया में स्त्री को घुसा दिया गया था, स्त्री 2 में भेड़िया को घुसा दिया जाएगा, तो क्यों ना अगले 3 पार्ट्स के जरिए इस वैम्पायर को भी इंट्रोड्यूस करवाया जाए, क्योंकि होने को तो भाई कुछ भी हो सकता है। सही कहा ना? तो देखते हैं कि अब इस वैम्पायर के दर्शन हमें कब मिलते हैं, पर पहले स्त्री के दर्शन ले लीजिए, वरना ये स्त्री नाराज हो जाएगी और फिर कुछ भी कर जाएगी, क्योंकि वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। फिलहाल दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स तो जरूर बताएं, साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर। तो दोस्तों हमारी स्त्री लौट रही है इस 15 अगस्त को आतंक मचाने, पर इस बार स्त्री के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि स्त्री को इस बार रक्षा जो करनी है। पर ये स्त्री भूत है कौन, मतलब श्रद्धा कपूर है, तमन्ना भाटिया है या कोई और, क्योंकि टीजर में हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये भी समझ नहीं आ रहा कि भाई राजकुमार राव का जो कैरेक्टर है वे कभी भूत के वशीकरण में क्यों नहीं आता। तो देखिए 2018 की सुपर हिट फिल्म स्त्री में हमने देखा कि स्त्री का टारगेट होता है ऐसे इंसान जिसकी नियत में खोट होगी, यानी वह आदमियों को टारगेट करती है। पर वही स्त्री में हमने देखा था कि विक्की यानी राजकुमार राव का जो कैरेक्टर है वो जब एक हवेली में जाता है तब वहां उसे एक दीवार पर पत्थर की स्त्री दिखाई देती और उसके साथ साथ एक आदमी भी, बट उसका सर सही तरीके से दिखाई नहीं देता। तो क्या पता ये हमें उसी सरकटे भूत को लेकर कोई हिंट दिया गया हो जो हमें स्त्री 2 में आगे चलकर भी देखने को मिल सकता है। और स्त्री अगर आदमियों को टारगेट कर रही है तो क्या पता वह सरकटा भूत औरतों को टारगेट करता हो, इसीलिए शायद उसे सरधड़ से अलग कर दिया गया हो जो चंदेरी की औरतों को टारगेट करता हो। पर ये बस हमारी थ्योरी है। और जो ये सरकटा भूत है वे काफी पावरफुल तो है ही, मतलब वे गांव के आदमियों से ही अपनी पूजा करवा रहा है, खुद का इम्पोर्टेंस बढ़ा रहा है, तो ये उससे एक विलन के तौर पर काफी पावरफुल हाईलाइट करने के लिए भी दिखाया गया होगा। उसके साथ साथ ओ स्त्री की रक्षा करना, जिसे दीवार पर लिखी गई लाइन को आदमियों के जरिए मिटवाना, ये भी काम वो करता है, ओ स्त्री जो लिखा हुआ पढ़ती है वह भी करती होगी। और शायद वह लाइन हटाने की वजह से अब चंदेरी पर फिर से सरकटा भूत का आतंक छा गया होगा और जिसकी वजह से सब लोग ओ स्त्री रक्षा करना ये जाप कर रहे हैं। अब पार्ट 2 में सरकटा भूत वर्सेस स्त्री ऐसा मुकाबला भी देखने को मिल सकता है, पर स्त्री की ताकत तो उसकी चोटी में होती है और विक्की ने तो चोटी काट दी थी इसलिए वह पावरलेस हो जाती है। पर इसीलिए पार्ट 1 में हमने देखा कि वह विक्की से कहती है कि तुम श्रद्धा को वापस बुला लो, क्योंकि कहीं ना कहीं श्रद्धा वे चोटी मिलने के बाद और पावरफुल हो जाएगी और उस सरकटा भूत का सामना कर सकती है और वह इतनी पावरफुल हो सकती है कि वह भेड़िया को भी अपना दीवाना बना सकती है। भेड़िया के गाने डुमकेश्वरी में आपने देखा ही होगा। खैर, पर सोचने वाली बात यह है
है कि गांव के सारे आदमी भूत के वश में आते हैं, पर विक्की पर भूत के वशीकरण का असर क्यों नहीं होता भाई, जैसे बाकी बाकियों में होता है। क्या पता यहाँ कुछ ऐसी थ्योरी भी हो सकती है, जो स्त्री है वो विक्की माँ ही हो। मतलब स्त्री का चेहरा और विक्की की माँ की फोटो अगर मैच की जाए तो थोड़ी बहुत मिलती जुलती है ऐसा लगता है। क्या पता इसीलिए वे अपने बेटे को वश में ना करती हो और उसे बचाने के लिए, उसे सेफ रखने के लिए, क्योंकि स्त्री का एक गहरा पास तो है जहाँ उसके साथ बहुत अत्याचार हुआ हो या उसे रिस्पेक्ट ना मिली हो, जिस वजह से सबको परेशान कर रही है। तो कहीं ना कहीं उसकी आत्मा भटक ही रही है जो विक्की की माँ की आत्मा हो। पर इतना जरूर है कि स्त्री टू में हमें सरकटा भूत वर्सेस स्त्री का मुकाबला देखने को मिल सकता है और स्त्री के मिशन में श्रद्धा कपूर का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, ये तो पक्का है। इसीलिए तो आ रही है ना लंबे बालों के साथ। वैसे टीजर में सैंडल और छोटी ड्रेस पहनकर एक औरत भी नजर आती है, उसका चेहरा दिखाई नहीं देता पर उसकी बैक साइड देखते हुए लगता है कि कोई औरत नहीं बल्कि औरत के गेटअप में कोई आदमी है। तो क्या पता अब सरकटे भूत का पता कट्टा होने वाला हो और ये पता काटने के लिए कोई एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आए, क्या पता वो राजकुमारी हो। वैसे ये तो हमारी इमेजिनेशन हो गई, पर आपको क्या लगता है इन सब पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों हम वो दर्शक है जो अली बाबा और 40 चोर अनीप लादसी कहानियों से लेकर रामायण महाभारत जैसी कहानियां बचपन से सुनते आए हैं, पर बचपन में हमें एक और शौक था और वो था हॉरर कहानी सुनने का शौक, और उसके बाद सबकी फुफू पटती भी थी और स्त्री देखने के बाद हॉरर तत्वों को लेकर हमारी फैंटेसी तो और भी बढ़ गई। और अब तो स्त्री टू भी आ रही है 15 अगस्त को, मतलब कि एंटरटेनमेंट के साथ डर काफी डबल डोज मिलने वाला है। पर जब तक स्त्री टू नहीं आती तो ऐसी कौन सी फिल्म है जो हम देख सकते हैं जो हमें स्त्री की तरह कड़क हॉरर एंटरटेनमेंट भी दे और साथ में लोक कथाओं से इंस्पायर्ड भी हो। लेट्स सी। तो पहली फिल्म है बुलबुल। अब नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा, ये वो वाली बुलबुल नहीं है बल्कि साल 2020 में रिलीज हुई फिल्म बुलबुल हमें नजर आई थी। आज सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी और बुलबुल ये एक बंगाली लड़की कहानी है जो कि एक गांव की लड़की है। इसका बाल विवाह किया गया था और उसके बाद एक हवेली में उसके साथ कई सारा अत्याचार होता है, बलात्कार होता है और थोड़े ही दिनों में खूनी खेल शुरू हो जाता है। गांव के लोग मरने लगते हैं और पता नहीं चलता कि उनका खूनी कौन है और वो क्यों खून कर रहा है या फिर कर रही है। अब वो खूनी कौन है ये जानने के लिए फिल्म तो आपको देखनी पड़ेगी। ओके तो फिर अगली फिल्म है तुम्बाड़। तो महाराष्ट्र के भीतरी इलाकों की लोक कथाओं पर बेस सोहम शाह की फिल्म तुम्बाड़ साल 1900 की एक परिवार की कहानी को बताती है। ये परिवार तुम्बाड़ नाम के एक शापित गांव में रहता है जहां के लोगों का कहना है कि यहां एक खजाना छुपा हुआ है और ये परिवार हस्तर के लिए एक मंदिर बनाता है, जबकि इस देवता को कभी पूछते नहीं है वो लोग। इसके बावजूद ये परिवार हस्तर को पूछता है और हस्तर एक पौराणिक देवता है जिसके बारे में कहा जाता है कि खजाने पर नजर रखता है। ये कहानी फिल्म के हीरो की लालच को दिखाती है, वो लालच जो उसे 15 साल बाद गांव वापस आने पर मजबूर कर देता है। अब ये सुनकर ना हमारी नजरों के सामने राजू आ रहा है हीरा फेरी वाला, उसे ये बता देता ना तो फिर वो लूट ही लेता सब। है इसकी अगली फिल्म है चुरुली। अब नाम तो काफी इंटरेस्टिंग है और ये चुरुली एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है। ये फिल्म बिनॉय थॉमस द्वारा लिखी गई बुक मुल्ला रंजनम की शॉर्ट स्टोरी कली कीमी नारी डे कुट्टा वलीकल पर बेस्ड है और फिल्म की कहानी उस साधु के इर्द गिर्द घूमती है जो एक बुष्ट वन आत्मा की खोज में है और फिल्म टाइम लूप्स और एलियंस के बारे में बताती है। और आखिर में है पहेली। तो अमोल पालेकर की इस फिल्म में शाहरुख खान और रानी मुखर्जी मुख्य भूमिका में है। ये फिल्म राजस्थानी लोक कथा पर बेस्ड है और कहानी एक भूत के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक औरत से प्यार हो जाता है और वो उसके पति का वेश धारण कर लेता है, मतलब उस औरत का गलत बंदे से रोमांस भी होता है। खैर तो ये फिल्म आप देख सकते हो स्त्री टू आने तक, जो आपको हॉरर सस्पेंस थ्रिलर ये सारे पकवान सर्व करेगी। वैसे स्त्री टू आने वाली है पर इस बार डराने नहीं बल्कि सबकी रक्षा करते। पर सोचिए अगर स्त्री टू में किसी औरत पर फोकस ना करते हुए किसी आदमी पर फोकस किया गया तो फिर क्या होता, मतलब वो स्त्री कराना नहीं बल्कि वो पुरुष कराना ये कहना पड़ता, या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड भूतिया है क्या इसके बदले तुम्हारा बॉयफ्रेंड भूतिया है क्या ये कहना पड़ता। पर गलती से भू की जगह चू मत बोलिएगा। वैसे स्त्री में स्त्री अपहरण करके आदमी के कपड़े पीछे छोड़ देती है और ये तो ठीक है, पर स्त्री के बजाय कोई पुरुष होगा तो वो किस स्त्री का अपहरण करके और उसके कपड़े छोड़कर जाएगा, तब तो बवाल हो जाएगा ना भाई।
और सेंसर बोर्ड ऐसे बवाल की वजह से बावला हो जाता है और फिर क्या चीज लगाने के बोलते हैं टेलर की तरह कच 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 कच। वैसे भी आदि पुरुष के पास ऑलरेडी सेंसर बोर्ड गैस पर रहता है, मतलब काफी टेंशन में रहता है। पर अगर ये एक मेल पर्सपेक्टिव से लिखी गई कहानी होती इससे पहले या फिर आगे, तो राजकुमार राव ये रोल अच्छा करते, इस पे कोई डाउट नहीं है। और वो सबकी रक्षा सही तरीके से करते, जैसे अभी तापुरम रितेश देशमुख करने वाले हैं। पर हमारे इस इमेजिनेशन को एक हैट्स ऑफ देते हुए हम आपसे लेते हैं अलविदा और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दो। तो मेडॉक हॉरर कॉमेडी रिवर्स की प्रिंसेस 3 आ रही है 15 अगस्त को। वैसे 3 ने बिना क्या टाइमिंग चुना है, मतलब इंडिपेंडेंस डे पर आकर ये सबको डर से इंडिपेंडेंस दिलाने वाली है। वाह, ये तो एकता कपूर की टीवी सीरियल की बहुओं से भी ना बड़ी संस्कारी निकली। पर लगता है कि 3 का मन एक दो बार आने से ना नहीं भरेगा, वो बार बार आना चाहती है। और इसका हिंट हमें फिल्म के डायरेक्टर अमर कौशिक ने दिया है। तो डायरेक्टर अमर कौशिक, जिन्होंने 2018 की सुपर हिट फिल्म 3 बनाई थी और जो 3-2 लेकर आ रहे हैं, उनका ऐसा कहना है कि 3 पार्ट 3 भी बन सकता है और 3-4 भी बन सकती है। पर पहले 3-2 को लेकर ऑडियंस का रिस्पॉन्स वो देखना चाहते हैं, उसके बाद ही वो बाकी कहानियां लेकर आ सकते हैं। क्योंकि भाई ये कोई अहमद खान थोड़ी है जिन्हें पता होता है कि ऑडियंस बागी सीरीज से बोर हो चुकी है, फिर भी बागी के पास लाते ही रहते हैं और टाइगर श्रॉफ को हम पे थोपते रहते हैं। पर अमर जी ऐसा नहीं करना चाहते हैं, पर इसका मतलब उनके पास कहानियां तो है, बहुत कुछ बताना बाकी है। और इसे एक चीज समझ में आती दोस्तों कि अगर अगले पार्ट्स लाने का मौका मिला तो फिर से हमें नए नए चेहरे इसमें देखने को मिलने वाले हैं। और जैसे कि मुंजिया में हमें पहले आलिया भट्ट नजर आने वाली थी, तो क्या पता इस 3 के अगले पार्ट्स में उन्हें घुसा दिया जाए और यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए एक नई कोशिश की जाए। और हम अभी सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं कर रहे, बल्कि इसमें साउथ वाले भी नजर आ सकते हैं। अब जैसे कि श्रद्धा कपूर की 3 के बाद यानी एक चुड़ैल के बाद इस यूनिवर्स में वरुण धवन की भेड़िया आ गई, तो वो एक वुल्फ की कहानी थी। और 3 और भेड़िया का कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है जो 3-2 से पता चलेगा। और मुंजिया जैसी फिल्म में हमें भेड़िया नजर आया था, यानी कि भेड़िया का यहाँ पर भी कोई कनेक्शन हो सकता है। पर इस सब के जरिए हम मुंजिया ऐसे राक्षस से भी मिले हैं। तो चुड़ैल, वुल्फ और राक्षस के बाद अब बस एक वैम्पायर की कमी है। तो अब टेंशन मत लीजिए, शायद वैम्पायर भी जरूर आएगा इस यूनिवर्स में, क्योंकि बहुत पहले ऐसी तगड़ी चर्चा थी कि मैडॉक के प्रोड्यूसर दिनेश विजन की फिल्म बाला में काम कर चुके एक्टर आयुष्मान खुराना वैम्पायर ऑफ विजयनगर नाम की एक फिल्म के जरिए इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें कि वो वैम्पायर बनकर नजर आ सकते हैं। और आपको पता है दोस्तों, आयुष्मान खुराना के साथ कभी सामंथा रूथ प्रभु का नाम भी जुड़ा जा रहा था, तो कभी रश्मिका मंदाना का, यानी कि 2 पुष्पा गर्ल्स। इसलिए तो हमने कहा कि भाई साउथ वाले भी ना इसमें एंट्री ले सकते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ बॉलीवुड वाले ही नजर आएंगे। वैसे भी क्या साउथ और क्या नॉर्थ, हम सब तो एक है ना अब। और हो सकता है कि जैसे भेड़िया में 3 को घुसा दिया गया था, 3-2 में भेड़िया को घुसा दिया जाएगा, तो क्यों ना अगले 3 पार्ट्स के जरिए इस वैम्पायर को भी इंट्रोड्यूस करवाया जाए, क्योंकि होने को तो भाई कुछ भी हो सकता है। सही कहा ना? तो देखते हैं कि अब इस वैम्पायर के दर्शन हमें कब मिलते हैं। पर पहले 3 के दर्शन ले लीजिए, वरना ये 3 नाराज हो जाएगी और फिर कुछ भी कर जाएगी, क्योंकि वो 3 है, कुछ भी कर सकती है। फिलहाल दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स तो जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर। इस साल मुंजिया ऐसे ठरकी आशिक से हम मिले, जिसकी वजह से हमारी गुलती पर से पर लाइमलाइट में आ गई। और अब तो हमारी 3 भी आ रही है लौट कर। पर अब एक और ऐसी फिल्म आ रही है इसी डरावनी कैटेगरी में, से लगता है ये खतरा बढ़ने वाला है। मतलब मुंजिया 3-2 जिस मैडॉक सुपर नेचुरल यूनिवर्स के अंडर बनाई गई, क्या उनके लिए भी ये खतरा है? क्या इस आने वाली फिल्म और 3-2 में कुछ कनेक्शन होगा, कुछ कॉमन या फिर कुछ सिमिलर होगा? तभी हम बात कर रहे हैं अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म काकुड़ा की। और इस फिल्म पे हमें नजर आएंगे एक्टर रितेश देशमुख, सोनाक्षी सिन्हा और साकिब सलीम। वाह, मतलब शादी की बात सुना की ये पहली फिल्म थी, वो भी डरावनी। पर हमने 3-2 और काकुड़ा की कनेक्शन या फिर कुछ कॉमन या लगभग सेफ होने की बात क्यों की? पहले तो फिल्म काकुड़ा की कहानी उत्तर प्रदेश में मथुरा के रतौड़ी गांव की कहानी बताई जा रही है। फिल्म में दिखाया गया है कि इस गांव में हर घर में एक जैसी बनावट के 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजा सामान्य और दूसरा उसे छोटा। एक छोटा दरवाजा हर मंगलवार को शाम ठीक 7:15 खोलना ही होता है, ऐसा ना होने पर काकुड़ा का प्रकोप छीनना पड़ता है। तो अब 3-2 का नाम हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ दोनों का जॉनरा सेम है। जिस तरह फिल्म 3 में सब 3 से डर रहे थे, वहीं अब 3-2 में लोग उसी 3 को रक्षा करने के लिए बुला रहे हैं, तो 3 इस बार रक्षा करेगी। पर काकुड़ा पे कॉन्सेप्ट ऐसा है कि यहाँ 3 नहीं बल्कि कोई मेल कैरेक्टर रक्षा करते हुए नजर आ सकता है,
और वो कैरेक्टर शायद रितेश देशमुख का हो सकता है, क्योंकि फिल्म के पोस्टर में रितेश के हाथ में काठी नजर आती है और आपको पता है काठी का इस्तेमाल तो रक्षा करने के लिए किया जाता है। जैसे मुंजिया में वो मैजिक स्टिक नजर आई थी और दूसरी बार जिस तरह से तीन सारे मर्द खतरे में आ गए थे और अभी भी खतरे में है, तो मुंजिया में फिल्म का मेल प्रोटैगोनिस्ट जो था वो खतरे में आ गया था मुंजिया की वजह से। जैसे काकुना में भी यही नजर आने वाला है, मतलब मर्द को खतरा है। और मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स के अंदर बनाई गई मुंजिया को जिस आदित्य सरपुद्दान ने डायरेक्ट किया था वही काकुड़ा के भी डायरेक्टर है, पर इसके अलावा कोई कनेक्शन नहीं है काकुड़ा और स्त्री टू में, और ना ही इन दोनों फिल्मों में कोई कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि एक तो काकुड़ा मैडॉक सुपरनैचुरल हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के अंदर बनाई गई फिल्म नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं हो सकता है। हाँ, अगर काकुड़ा के प्रोड्यूसर और मैडॉक के प्रोड्यूसर दिनेश भूषण ने कोलैबोरेशन करने का सोचा तो फिर कुछ हो सकता है, पर फिलहाल स्टारकास्ट लोकेशन इनमें भी कोई कनेक्शन दिखाई नहीं देता है। पर हाँ, मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्मों को बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन मिल सकता है, क्योंकि रितेश देशमुख आ रहे हैं पहली बार कोई कॉमेडी हॉरर फिल्म में। जी हाँ, एक्चुअली वो पहली बार कोई हॉरर फिल्म करने जा रहे हैं, क्योंकि कॉमेडी तो भाई उन्हें आती ही है। इससे पहले हमने उन्हें मस्ती हाउसफुल जैसी फ्रेंचाइजी में देखा है कॉमेडी करते हुए, और कॉमेडी में उनका कोई जवाब है ही नहीं। ऊपर से आदित्य जैसे डायरेक्टर जबकि कॉमेडी और डर का परफेक्ट बैलेंस इंगेजिंग स्टोरी लाइन, उसमें तो कोई भी बड़ी स्टारकास्ट नहीं, सिर्फ कंटेंट के दम पर कमाल। और ये उनका जलवा तो मैडॉक वाले ऑलरेडी दिखा चुके हैं मुंजिया की वजह से, और अच्छा बिजनेस भी कर चुके हैं, तो मैडॉक वालों को ना इनकी फिल्म का पोटेंशियल मालूम है। ऐसे में कॉम्पिटिशन तो जरूर लगेगा, तो देखते हैं कि काकुड़ा कैसी है और 15 अगस्त को आने वाली हमारे स्त्री का मूड कैसा है और कौन इसे कॉम्पिटिशन देता है। फिलहाल दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फर्स्ट फिल्म स्त्री का सीक्वल आने वाला है 15 अगस्त, और इस मिस्टर इंडिया जैसी नारी का, मतलब जो है फट हमें दिखाई नहीं देती है, उसका इंतजार हो रहा है। पर आपको पता है स्त्री और स्त्री टू में क्या फर्क होने वाला है और स्त्री टू क्यों खास होने वाली है, क्योंकि इस सुपर नेचुरल यूनिवर्स की चौथी फिल्म मुंजिया जो इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर खिड़की तोड़ तबाही मचा रही है, उसके पीछे का क्रिएटिव दिमाग स्त्री टू के साथ है और वो है फिल्म के राइटर नीरेन भट्ट। तो पहली बात तो ये है कि राज एंड डीके, इन्होंने फिल्म स्त्री की कहानी लिखी थी, जिन्होंने फैमिली मैन और पर्जी ऐसी वेब सीरीज लिखी है। पता नहीं ये कहानी लिखने के लिए कौन सा पेन इस्तेमाल करते हैं, पर सस्पेंस क्रिएट करने में ना ये महारथी है। पर अब ये स्त्री टू पर काम नहीं कर रहे हैं। कैसे सुनने में आया था कि मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स के प्रोड्यूसर दिनेश भूषण और उनके बीच पेमेंट को लेकर शायद कोई अनबन हो गई थी 2-3 साल पहले, पर बाद में वो सॉल्व हो गया था, इसलिए शायद स्त्री टू को ये नहीं बल्कि नीरेन भट्ट लिख चुके हैं। तो ये फर्क होने वाला है। अब मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की बेस्ट फिल्म स्त्री है, वही वर्स्ट फिल्म रूही है, ऐसा बहुत सारी ऑडियंस का कहना है, और इसका रीजन कहीं ना कहीं इस फिल्म की कहानी है। तो फिर यहाँ मुंजिया स्त्री टू की कहानी लिखी है नीरेन भट्ट ने, पर रूही की कहानी इन्होंने नहीं बल्कि मृगजीत सिंह लांबा और गौतम मेहरा ने लिखी थी। अब जाहिर है कि रूही पे जानवी कपूर नजर आई थी, जिनके परफॉर्मेंस को लेकर क्या ही बोले, ठीक ठाक सा था। पर स्त्री के बाद ये रिलीज हुई सेकेंड फिल्म थी इस यूनिवर्स की, जिसकी वजह से ऑडियंस को दोनों फिल्मों में अंदर नजर आया था स्क्रिप्टिंग के मामले में। कहानी में वो एंगेजिंग फैक्टर नहीं था जो आपको सीट पर बिठा कर रख सके, और ये यहाँ पर स्त्री पे देखने को मिला था, तो यहाँ पर ये डिफरेंस नजर आया था लोगों को। रूही पे नो स्टोरी नो स्केयर एंड नो लॉजिक क्लीन हॉरर इमेजिनेटिव स्टोरी टेलिंग का कोई अता पता ही नहीं था, और ये हॉरर इमोशन फिल्म में मार खाती है अपने वीक स्क्रिप्ट लेके वजह से, इसलिए अब हम 20 करोड़ कमा के थक गई थी। वही अगर हम भेड़िया की बात करें तो उसकी कहानी नीरेन ने लिखी थी और हॉरर कॉमेडी जोनरा के साथ ये फर्क थॉट प्रोवोकिंग लगती है। जैसे ई अरुणाचल प्रदेश और इन्वायरमेंट को बचा के रखने का ये सोशल मैसेज देती है। अब हॉरर कॉमेडी फिल्मों में ऐसे सोशल मैसेजेस देना और साथ में उससे हॉरर फीलिंग को बरकरार रखना उतना आसान नहीं हो पाता है, पर भेड़िया के साथ ऐसा दिखाई देता है। जी हाँ, भेड़िया इज गुड वन टाइम पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट। हाँ, स्टोरी प्रेडिक्टेबल थी, पर एक आदमी का बुल्क बनना ये इंटरेस्टिंग और न्यू कंसेप्ट था बॉलीवुड में। वैसे कहानी और अच्छी हो सकती थी, पर उसकी कंपैरिजन में तो भेड़िया बहुत बहुत बेटर थी, मतलब की फार बेटर थी। और इस फिल्म ने 87 करोड़ रुपीज का बिजनेस किया था। और अब मुंजिया की बात करें तो ये फिल्म फन एंड थ्रिल की बेस्ट राइड करवाती है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अभी इसलिए भी दौड़ रही है क्योंकि इसके सक्सेसफुल होने के पीछे कहीं ना कहीं इसके इंटरेस्टिंग कंटेंट या पर कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि नीरेन भट्ट ने लिखा है।
अब मुझे क्या मतलब होता है या फिर एक छोटा बच्चा किस तरह से घोस्ट बनकर सबको परेशान करता है, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। और एक्चुअली में ऐसी कहानियां महाराष्ट्र में हो चुकी है, शायद ही कोई जानता होगा। तो ऐसे पुरानी और रियल कहानियों को लेकर आना, ऑडियंस को कुछ नया देना, ये पुंजिया के सक्सेस का राज है। प्लॉट तो ट्विस्ट एंड टर्न से भरा था ही और सीन्स भी कमाल के थे। तो ये पूरी पैसा वसूल फिल्म थी, इसे बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा ये पार कर चुकी है। तो नीरेन भट्ट की यही खासियत है कि कुछ ऐसा ऑडियंस को वो देते हैं जो उन्हें पता ही नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, मतलब कि जो उनके लिए बहुत ही नया होता है और जो उनके हार्ट को टच कर जाता है। अब रूही के किस्त में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, इसलिए वो सबसे पीछे रही थी और बाकियों ने उससे ज्यादा कमाई की। और अब स्त्री टू को इन सब से बिना ज्यादा पैसा कमाना है, और जितना हमें टीजर देखा है ना उससे तो ये कमाल की पक्की पकाई खिचड़ी लग रही है। थ्रिलर सस्पेंस कॉमेडी के ऑर्डर का 2.0 दिखाई देने वाला है, क्यों सही कहा ना। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। वे हर साल 4 दिनों के लिए आती है और फिर गायब हो जाती है। इन 4 दिनों में शहर के पुरुष गायब होने लगते हैं, सिर्फ उनके वस्त्र मिलते हैं। वे पुरुषों को उठाकर ना ले जाए इसलिए लोग अपने घर की दीवार पर कोई और चमगादड़ के खून से लिखा रखते हैं, ओ स्त्री कल आना। वे पढ़ना तो जानती है लेकिन भोली है बेचारी, सोचती है ठीक है आज यहाँ कोई नहीं है कल आएगी। वे लौट जाती है। वेल, इस बार भी वे आई है और एक ही रात में 20 पुरुषों को उठा लिया है उसने। हर तरफ डर फैला हुआ है, ये ऐसा कर क्यों रही है और आगे इसके क्या होगा, ये सब पता लगाने के लिए आपको देखना होगा स्त्री 2। वैसे दुनिया में भूत प्रेत चुड़ैल का अस्तित्व हो ना हो लेकिन उनकी कहानियां अवश्य है। इन कहानियों में बेसर पैर की बातें पंख लगाती है, स्त्री में भी उल्टी सीधी बातों के पंख है जो डराने की कोशिश करते हैं परंतु एक आध जगह को छोड़कर कहानी को कॉमिक मोड पर ले जाते हैं। फिल्म के लेखन और निर्देशक में ये भारी कमी है और वे अंत में कई बातों को क्लियर नहीं कर पाती, चुड़ैल होती है या नहीं जैसे अनसुलझे सवाल की तरफ फिल्म भी एक कंफ्यूज लूप में है। बाहर निकलकर आप बहस करते रहिए लेकिन मेरे हिसाब से मुंजे और भेड़िया के बाद ये कहना गलत होगा कि डायरेक्टर इस बार ये गलती करेंगे, क्योंकि इतने सक्सेस के बाद और फिल्म को लेकर इतनी हाइप क्रिएट हो गई है, इसके बाद बहुत कम चांसेस हैं कि मेकर्स इस फिल्म में किसी भी प्रकार की कोई कमी छोड़ेंगे। वेल, स्त्री हल्की फुल्की हॉरर और थोड़ी बहुत कॉमेडी फिल्म थी और इस बार भी हम उसके सीक्वल से यही उम्मीद करते हैं। वैसे एक बात तो है, स्त्री का हॉरर होना बहुत कुछ टीवी शोज से मेल खाता है और इसकी कथा बनावट, इसका रंग संयोजन पिछले दिनों ओल्ड बालाजी की वेब सीरीज गंदी बात से मेल खाता है। स्त्री के फिल्म होने पर विश्वास कठिनाई और देर से होता है। राजकुमार राव ने चंदेरा में रहने वाले विकी का रोल किया जो कस्बाई लड़का है। उसके सपने ऊंचे नहीं है लेकिन वह इतना जरूर जानता है कि कोई खास काम करने के लिए पैदा हुआ है, शायद एक चुड़ैल संग प्यार करने के लिए। वैसे क्या मुझे ही ऐसा लगता है या आप सभी को भी कि स्त्री फिल्म में जहां श्रद्धा का किरदार इतना दमदार और स्क्रीन टाइमिंग भी कम होने के बावजूद उनको ही स्त्री 2 में लाइमलाइट में रखा जा रहा है, क्योंकि स्त्री मूवी के देखने से लगता है कि फिल्म की पूरी जान राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी ने डाली है। और ऐसे में स्त्री 2 को लेकर जब से ये बात और टीजर आया है तब से बस श्रद्धा ही श्रद्धा हो रहा है और दिख रहा है। फिल्म के सीक्वल भी क्या इस बार बस श्रद्धा ही श्रद्धा करेंगे, अगर हाँ तो कम चांसेस है फिल्म उतनी वाहवाही लूट पाए। वैसे क्या आप जानते हैं फिल्म का टाइटल स्त्री किसने दिया और किसकी देन थी? बोली ये थी हमारे हीरो राजकुमार राव की, एक इंटरव्यू में उन्होंने ऐसा बताया। ऐसी और जानकारी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखना मत भूलिएगा 15 अगस्त 2024 को स्त्री 2। एंड ओनली टेल अस इन द कमेंट सेक्शन कि आप कितना एक्साइटेड हैं। एंटिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। अगर इंडिया में कोई इंस्टाग्राम को टक्कर दे सकता है तो वो है बॉलीवुड। जी हाँ, जैसे कोई भी गाना या फिर ट्रेंडिंग चीज इंडिया में हर इन्फ्लुएंसर तुरंत कॉपी कर लेता है, वैसे ही बाहर चाहे कोई भी ट्रेंड हो बॉलीवुड कोई कसर नहीं छोड़ता उसकी कॉपीज निकालने में। और इसका परिणाम हम कई दफा देख चुके हैं और उसी तरीके से अपनी परंपरा को फॉलो करते हुए बॉलीवुड एक नए ट्रेंड पर भी जम कर चुका है। जी हाँ, सिनेमैटिक यूनिवर्स। हाँ, आपने पिछले 2 सालों में ये 50 बार सुना होगा और आने वाले 4 सालों में ना 1000 बार सुनेंगे। तो चलिए जानते हैं कि सिनेमैटिक यूनिवर्स का जो कंसेप्ट है वो आया कहाँ से। तो 1930s में यूनिवर्सल पिक्चर्स ने एक फिल्म सीरीज निकाली थी, इसका नाम था यूनिवर्सल मॉन्स्टर्स। इस मॉन्स्टर यूनिवर्स के विलेन जैसे कि फ्रैंकेनस्टीन, ड्रैकुला, द मॉमी तो हीरोज से भी ज्यादा फेमस हो गए। अगर आपको भूत और मॉन्स्टर्स थोड़े बहुत पसंद हो गया तो आपने इनके बारे में जरूर सुना होगा, और अगर नहीं तो जाके देखिए मूवीज। तो ये सिलसिला चला 1930 से
1950 तक, और ये बड़ा ही सिग्निफिकेंट चेंज था द अमेरिकन पॉप कल्चर के लिए, और इसकी झलक आज भी आपको हेरोइन में दिखेगा। वैसे ये यूनिवर्स वाला कंसेप्ट बहुत लोगों ने ट्राई किया, पर जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ है, यस यू गेस्ड इट राइट, इट वाज मार्वल यूनिवर्स। अब मार्वल की पॉपुलैरिटी की तो कोई सीमा ही नहीं है, हमने इंडिया में एंड गेम के टाइम में स्टेडियम सीटियां बसते भी देखा है, लोगों को नाचते भी देखा है, खुशी मनाते भी देखा है, और ये सब बॉलीवुड ने भी देखा है। तो फिर बॉलीवुड के सारे प्रोड्यूसर सोच में बैठ गए, और फिर क्या कंट्रोल प्लस थी, आपको क्या लगा था इनके होते हुए बॉलीवुड में टैलेंट आया है कभी? वैसे ये सिनेमैटिक यूनिवर्स वाली ट्री ना बड़ी लंबी जाने वाली थी, और इसमें सबसे पहले सवाल हुआ था वाईआरएफ, और पर निकला वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स। इसकी पहली मूवी एक्चुअली वाज एक था टाइगर, जो पहले सीरीज में कन्वर्ट हुई, बट टाइगर जिंदा है और अब पूरे यूनिवर्स बन गई है, और इसमें अब सलमान खान के साथ शाहरुख खान, ऋतिक रोशन और टाइगर भी जुड़ चुके हैं। पर ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट कॉपी तो चलेगा नहीं, क्योंकि सदियों से देखते आए ना सीआईडी वर्सेस साउथर्न इंडिया की महा एपिसोड देखने में लोगों की इतनी उत्सुकता होती थी, उसे बहुत प्यार दिया गया, और ऐसा ही हुआ इनके साथ भी। तो ये सक्सेस देख के ना एक और प्रोडक्शन कंपनी ने बोला वाओ नाउ लेट्स डू इट, एंड नाउ वी हैव स्त्री टू। मैडॉफ फिल्म्स ने 2018 में स्त्री निकाली जो ऑलमोस्ट कल्ट फिल्म बन गई। डायलॉग, एक्टिंग, जंप स्केयर्स, इस मूवी ने परफेक्ट हॉरर कॉमेडी में क्या क्या होता है वो दिखाया है लोगों को। तो बस वहाँ से स्टार्ट हुई मैडॉफ की यूनिवर्स की कहानी, उसके बाद भेड़िया आई, मुंजे आई, और अब स्त्री वापस आ रही है। तो जरा मैडॉफ वर्सेस वाईआरएफ कर लेते हैं। वैसे तो वाईआरएफ बहुत बड़ा बैनर है जिसके पास यूजुअली बॉलीवुड के सबसे बेस्ट एक्टर्स होते हैं, पर इस केस में मैडॉफ भी पीछे नहीं है। दोनों का जॉनरा काफी अलग है, एक इज मोर ऑफ स्पाई यूनिवर्स एंड अदर इज हॉरर कॉमेडी। और जहाँ वाईआरएफ को अपनी मूवी चलाने के लिए स्क्रिप्ट ज्यादा शाहरुख सलमान जैसे एक्टर्स का साथ लेना पड़ता है, वही मैडॉफ न्यू फेसेस लॉन्च करके भी अच्छी कहानियों से लोगों को इम्प्रेस कर देते हैं। पर ये बात तो है कि मैडॉफ ने इंडिया को हॉरर सीन काफी हद तक चेंज कर दिया है। जहाँ बचपन में हमने एक रात में अकेली औरत को भूत से डरते हुए देखा था, वही अब औरत स्त्री बनकर सबको डरा रही है। अब गानों की बात करें तो वाईआरएफ को टक्कर देना मुश्किल है, इतना ह्यूज प्रोडक्शन के साथ वाईआरएफ के गाने हमेशा सुपर हिट होते हैं, भले ही वो माशाला हो, दिल दिया गल्ला हो, पेशरम रन क्यों ना हो। पर मैडॉफ ने भी अपने कमरिया सॉन्ग से ना बहुत टाइम तक लोगों को नचवाया था। ऑडियंस की बात करें तो वाईआरएफ का स्पाई वर्स जहाँ देश प्रेमी स्पाइस पर फोकस्ड है, वही मैडॉफ हॉरर वर्स वो जेंजी फोकस्ड है। वाईआरएफ ने आने वाले सालों में वॉर वर्सेस पठान एंड टाइगर वर्सेस पठान जैसे कई क्रॉसओवर प्लान किए हैं जो सिनेमा हॉल को खचाखच भर देगी, और अब तो आलिया को भी साइन कर लिया गया है। लेकिन भाई मैडॉफ के हॉरर यूनिवर्स ने भी अपना हुक्म का इक्का चल दिया है। ओ स्त्री जल्दी आओ, बोल के ऑडियंस तक पहुंच चुके हैं। बोलो तो 4 साल बाद आ रही है स्त्री 15 अगस्त को, और श्रद्धा जी ने इस बार बड़े बड़े सुपरस्टार्स को भी ना अपनी नानी याद दिला दी है। अब स्त्री और उनके यूनिवर्स में आगे क्या होगा वो तो वही जाने, पर आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपका बॉलीवुड का फेवरेट यूनिवर्स कौन सा है और क्यों। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों, किसी फेस्टिवल में जब सेल लगता है तब कैसे सेल सेल महा सेल करके लोग गला फाड़ते हैं, वैसे ही बॉलीवुड में अभी क्लैश क्लैश महा क्लैश करके लोग गले पाट रहे हैं। पुष्पा भावकुवारे में थोड़ा सा टाइम लग सकता है कि देखकर देसी बॉयज निकले अपने पल पे लेकर, पर अब स्त्री भी आ रही है और अपने आने की खबर से स्त्री ने हमें तो खुश कर दिया और देसी बॉयज का मोई मोई कर दिया, क्योंकि वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है। वैसे इस पर तो आगे बात करेंगे ही, पर स्त्री टू के आने की खुशी में ये क्या विवाद हो गया राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर के बीच में। दरअसल फिल्म स्त्री टू एज श्रद्धा कपूर की फिल्म प्रमोट हो रही है, मतलब वो मेल लीड है, और कोई ये कह रहा है कि ये श्रद्धा की फिल्म है, तो क्या राजकुमार वहाँ पर घास उखाड़ने के लिए है? ऐसा हम नहीं बल्कि राजकुमार के फैंस कह रहे हैं, क्योंकि स्त्री सुपरहिट होने में राजकुमार का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन था जितना कि श्रद्धा कपूर का था, और फिल्म स्त्री में राजकुमारी लीड करते हुए नजर आए थे। और ये मल्टी स्टार फिल्म है, उसमें राई और जीरा की तरह तड़का लगाने के लिए पत्थर से पार्टी भी है, अपार शक्ति है, अभिषेक बनर्जी से एक्टर्स है, और इनके बिना तो ये फिल्म फीकी दाल की तरह लगती। तो ये सबसे बड़ा रीजन है फिल्म के सुपर हिट होने का, और अब राजकुमार को ही गिनती में नहीं ले रहे, अब मिस्टर मिसेस माही में भी वो थे जानवी कपूर के साथ, और करण जौहर ने एक मिसमैच जोड़ी बनाई थी। हाँ, क्योंकि एक लकी एक्ट्रेस है और दूसरा टैलेंटेड एक्टर है, तो इन दोनों में मैचिंग क्या है। खैर, पर प्रमोशन में जानवी ही दिखाई दे रही थी, जहाँ भी देखो अधिकतर लोग
इसे जानवी की फिल्म कहकर बुला रहे थे। मतलब राजकुमार को फिर से नो क्रेडिट। भाई ये मत भूलो कि मर्द को भी दर्द होता है। वैसे आप फिक्र मत कीजिए, ये सारी चर्चाएं ना बस चार दिन की चलनी है, पर कुछ भी कहो 3-2 ने क्रेजी किया रे। और इस फिल्म का टीजर अधिकतर लोग देखने गए बस श्रद्धा कपूर के लिए। फैंस श्रद्धा को देख कर एक बार फिर से स्थिति की जादू में खो गए। टीजर से फिल्म का सस्पेंस पहले ही गहरा बना दिया गया है और इस बार फिल्म की टैगलाइन भी बदल गई है, जैसे ओ स्त्री कलाना से ओ स्त्री रक्षा करना। तो 6 साल के बाद स्त्री आ रही है। तो अब आते हैं मोई मोई पर। तो अक्षय कुमार अपनी हॉरर कॉमेडी फिल्म खेल खेल में और जॉन अब्राहम अपनी एक्शन फिल्म पर पिज्जा लेकर आ रहे हैं। अब 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे छुट्टी का दिन, उसके बाद शुक्रवार है, फिर वीकेंड है, उसके बाद रक्षाबंधन है, तो अगस्त महीना फेस्टिवल से भरा हुआ है। ऐसे में मौका का फायदा उठाने का ना इनके पास भरपूर फायदा है और इसलिए ये कूद पड़े हैं मैदान में। और इतना ही क्यों, पुष्पा भाव ने भी अभी तक कंफर्मेशन नहीं दिया है कि वो आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, लटका के रखा है बस। पर अब स्त्री भी इस मैराथन में उतर चुकी है और स्त्री का मुकाबला बड़े बड़े धुरंधरों से होने वाला है। और रिलीज के बाद ऐसा भी हो सकता है कि एक नारी सब पर भान। पर तो पुष्पा भाव के फायर का बिना कुछ नहीं हो सकता। ऐसे आप बताओ स्त्री इन सब पर भारी पड़ सकती है या फिर नहीं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों देखो वो आ गई, वो स्त्री कल आना नहीं वे अब आ गई है। जी हाँ दोस्तों, और अब हम लेकर आए हैं आपके लिए फिल्म स्त्री 2 के टीजर से कुछ खुफिया जानकारी। तो बस आराम से कहीं स्त्री सुन ना ले। तो दोस्तों स्त्री 2 में अब होने वाला है स्त्री का पर्दाफाश, जहां हमें दिखेंगी स्त्री की असली कहानी क्या है, क्यों है एक स्त्री और क्यों बनी है वो चुड़ैल। बट डोंट यू वरी, इस डर के माहौल के साथ साथ फिल्म में होने वाली है ढेर सारी एंटरटेनमेंट, जिसमें लगेगा कॉमेडी का तड़का, जो लगाने के लिए है ना पंकज त्रिपाठी और अपार शक्ति खुराना। और वो स्त्री भी तो जो मिस्टर इंडिया बनती है, मतलब वो है पर दिखती नहीं सभी को। लेकिन इस बार एक और सरप्राइज है और वो है जबरदस्त आइटम सॉन्ग का। एंड वेल, बॉलीवुड फिल्मों में कंटेंट हो या ना हो, पर आइटम सॉन्ग तो होना इज नेसेसरी। तो स्त्री 2 में ना नारे बाबा ना नाम के आइटम सॉन्ग के साथ एंट्री मारी है एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने। और तमन्ना कैसे ढूंढके लगाती है ये तो आपको पता ही है, कावाला सॉन्ग देखने के बाद उफ हाय गर्मी। तो बस इंतजार करिए इस आइटम गर्ल का। वैसे टीजर से ये भी पता चल रहा है कि श्रद्धा कपूर इज बैक और इस बार वो सबकी रक्षा करने, सबको बचाने के लिए आए हैं और साथ ही साथ उसकी शक्तियां भी दुगनी हो चुकी हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस बार फिल्म में डर का डबल डोज होने वाला है या फिर ओवरडोज, बाप रे बाप। और हमारे भाई राजकुमार राव वो तो ऑब्वियसली बेहाल ही हो चुके हैं। आई मीन वो स्त्री एक चुड़ैल से रोमांस करने का ट्राई कर रहे हैं, पर एक चुड़ैल से रोमांस कौन करता है भाई। बोल राजकुमार बाबू तो उस चुड़ैल को देख भी नहीं पा रहे, रोमांस क्या खाक करेंगे। वैसे फिल्म में इस बार भी राजस्थान का नरसिंहघाट किला नजर आने वाला है, जिससे जुड़े हैं स्त्री के पुराने तार। और फिर एक बार अपनी दुगनी शक्तियों के साथ अपनी चोटी का पावर इस्तेमाल करके स्त्री सबको काबू में रखते नजर आएगी और जैसे देख के आपको एक बार के लिए वांडा मैक्सिमोफ की याद आ जाएगी। तो बस अब फटाफट तैयार हो जाइए क्योंकि ये स्त्री आ रही है 15 अगस्त को थिएटर्स में। कितना एक्साइटेड है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर। गाइस शी इज कमिंग, वो आ रही है। जी स्त्री आ रही है। Amazon प्राइम वीडियो के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में फिल्म स्त्री 2 का नाम भी शामिल है और ये स्त्री आएगी इसी साल। अब हॉरर फिल्मों का क्रेज ना अलग लेवल का है, वही जब इसमें कॉमेडी का तड़का लग जाता है तो कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। वहीं अब इस मूवी के सीक्वल स्त्री 2 को लेकर कई सारे फैंस ना बहुत ही एक्साइटेड है, यानी इसका बस बहुत हाई है। वैसे स्त्री 2 की कहानी क्या होगी इसे लेकर कई सारी थ्योरीज बनाई जा रही है। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन की फिल्म भेड़िया, जिसमें उन्होंने भेड़िया और भास्कर ऐसे कैरेक्टर्स प्ले किए थे, तो उनका इस फिल्म में कैमियो होने वाला है। उसके साथ ही एक्टर अभिषेक बनर्जी, जिन्होंने जन्ना का कैरेक्टर निभाया था, वो भी स्त्री और भेड़िया दोनों में कॉमन है। अब ऐसा हो सकता है कि वरुण यानी भास्कर चंदेरी गांव में आएगा, जो ऑलरेडी अपनी भेड़िया फिल्म के ठुमकेश्वरी गाने में स्त्री को देखकर, यानी कि श्रद्धा कपूर की जब उस गाने में एंट्री हुई थी, उसे देखकर उसके प्यार में पड़ गया था। तो और आगे चलकर ये स्त्री और भेड़िया दोनों मिलकर ही अपना डर का खौफ पैदा कर सकते हैं, यानी हॉरर यूनिवर्स में डबल तड़के लग सकते हैं। क्योंकि जब उस फिल्म का प्रोमो आउट हुआ था तभी तो एक्टर पंकज त्रिपाठी ने कुछ कहा था, आपको याद होगा। जी हाँ, उन्होंने ये कहा था कि आने वाले समय में चंदेरी पर भय से ज्यादा भयानक, खतरे से ज्यादा खतरनाक आफत आने वाली है।
पर भेड़िया चंदेरी गांव में जब आएगा तो वो किसी ना किसी को काट सकता है। अब वो विकी यानी कि राजकुमार राव को काटेगा या वो बिट्टू यानी कि अपार शक्ति खुराना होंगे या जन्ना होगा, ये तो फिल्म में देख कर ही पता चल पाएगा कि आखिर वो है कौन। और क्या पता यहीं से हमें भेड़िया टू की भी एंड मिल जाए और भेड़िया टू का बेस भी यहीं से क्रिएट हो जाए। मतलब एक फिल्म में दूसरे फिल्म को कनेक्ट करके ये अपना हॉरर यूनिवर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। वैसे साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म स्त्री अब 6 साल बाद लौट रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि 30 अगस्त 2024 को फिल्म रिलीज होगी थिएटर में और उसके बाद अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। अब देखा जाए तो अगस्त महीने की 15 तारीख को 2 फिल्में ऑलरेडी मुकाबले में हैं, सिंघम अगेन और पुष्पा 2। वैसे सिंघम अगेन और पुष्पा 2 जहां एक्शन मसाला फिल्में हैं, वहीं स्त्री 2 कॉमेडी हॉरर फिल्म है। और एक्शन फिल्मों के चलते ट्रेंड को देखते हुए हॉरर कॉमेडी फिल्म और कुछ नया देखने के लिए ऑडियंस हमेशा एक्साइटेड रहेंगी। तो आपके क्या एक्सपेक्टेशन है स्त्री 2 से हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो अलाना, इस आइकॉनिक डायलॉग को आपने पहचान ही लिया होगा जो फिल्म स्त्री का है और अब यही स्त्री आ रही है अपना हॉरर यूनिवर्स बसाने। जैसे बॉलीवुड में स्पाई यूनिवर्सेस हैं और कॉप यूनिवर्सेस है और इसमें स्त्री होगी, भेड़िया भी होगा और वैम्पायर भी होगा। साल 2018 में श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी की मूवी आई थी स्त्री, जिसने बॉक्स ऑफिस पर इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस दिया। ऑडियंस ने इसे इतना पसंद किया और वो स्त्री के प्यार में पड़ ही गए और इसी के चलते अब 6 साल बाद इसका सीक्वल आ रहा है और इसमें वरुण धवन भी नजर आएंगे कैमियो के तौर पर जो भेड़िया के कैरेक्टर में होंगे। अब उनकी मूवी भेड़िया जिसमें वरुण और कृति नजर आए थे तो उसको और स्त्री का क्रॉसओवर होने वाला है। वरुण स्त्री 2 में भेड़िया बनकर एंट्री करेंगे और अगर देखा जाए तो भेड़िया का जो कैरेक्टर था जनार्दन, जिसे निभाया था अभिषेक बैनर्जी ने, वो एक्चुअली स्त्री मूवी में भी मौजूद था। यानी कि ये इंटरकनेक्शन ऑलरेडी सेट किया हुआ है। और भेड़िया के पहले गाने ठुमकेश्वरी में दिखी श्रद्धा कपूर ने इस हॉरर यूनिवर्स की अगली मूवी स्त्री 2 की शुरुआत का हिंट पहले ही दे दिया था। पर क्या सिर्फ इतना ही हो सकता है? नहीं, स्त्री भेड़िया के डायरेक्टर अमर कौशिक एक और मूवी बनाने वाले हैं जिसमें आयुष्मान खुराना और समांथा रुद्र प्रभु हो सकते हैं और ये मूवी एक वैम्पायर पर बेस्ड होगी। यानी आयुष्मान खुराना वैम्पायर के रूप में नजर आएंगे तो ऐसा हो सकता है कि स्त्री 2 में वैम्पायर, भेड़िया और स्त्री सबका क्रॉसओवर होगा, जिससे कि यहाँ से ही हॉरर यूनिवर्स की अलग अलग फिल्मों का बेस क्रिएट किया जाएगा। वैसे इस 3 पार्ट 1 में हमने एक स्पेशल डांस नंबर देखा था नौरा फतेही का, कमरिया वाला, और उससे भी बढ़िया कुछ इस बार होने वाला है, पर नौरा फतेही के लटको झटको के साथ नहीं बल्कि आक्रस तमन्ना भाटिया के साथ, क्योंकि कमरिया उतना ही कैचरी होगा। खैर अब बाबू तो आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर, हम फिर मिलेंगे, बाय बाय। किस तारीख को आने वाली है श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री 2? किस हटके स्टाइल में पंकज त्रिपाठी ने की फिल्म रिलीज की अनाउंसमेंट? वरुण धवन और कृति सैनन की फिल्म भेड़िया के गाने ठुमकेश्वरी में हमारी स्त्री यानी कि श्रद्धा कपूर ने कैमियो किया था, उसके बाद ऑडियंस समझ गई थी कि अब जल्द ही स्त्री पार्ट 2 आने वाला है। मतलब राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, श्रद्धा कपूर अपने जबरदस्त अवतार में नजर आएंगे ड्रामा और कॉमेडी करते हुए। इसी के चलते फिल्म की टीम ने सबको एक और सरप्राइज दे दिया है फिल्म की रिलीज डेट बताकर। हाल ही में हुए जियो स्टूडियोज इवेंट में स्त्री 2 को लेकर बात की गई और यहाँ पर मौजूद थे राजकुमार, पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना, अभिषेक बैनर्जी और श्रद्धा कपूर। यहाँ पर श्रद्धा लाल साड़ी में नजर आई। जब वो स्टेज पर जा रही थी तो उन्होंने राजकुमार से हेल्प मांगी और वो अचानक से गायब हो गई। फिर स्टेज पर मौजूद पंकज त्रिपाठी को एक लेटर मिला जिसमें लिखा था ये स्त्री अगस्त 2024 को आने वाली है, सबको डराने के लिए। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर के करियर की जबरदस्त फिल्म स्त्री 2 को लेकर ऑडियंस जितनी एक्साइटेड है उतनी ही फिल्म की स्टार कास्ट भी। इसलिए तो जियो स्टूडियोज इवेंट में स्टार्स ने धमाल करते हुए ये बताया कि फिल्म 2024 में आएगी और फिल्म की शूटिंग मार्च 2023 से शुरू होगी। वैसे ये डेट अनाउंस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया
और कैप्शन में मेकर्स ने बताया, ओ स्त्री टू फिर आ गई। उन्होंने यही बताया कि आप सबको ये स्त्री देखने को मिलेगी 2024 को, जिसके लिए सबको थिएटर्स में जाकर फिल्म एंजॉय करनी होगी। अब देखते हैं कि क्या स्त्री का ये सीक्वल हमें किस तरह से एंटरटेन करता है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हो फिल्म स्त्री टू को लेकर, हमें जरूर बताएं। हॉलीवुड के तर्ज पर अब बॉलीवुड में भी यूनिवर्स सक्सेसफुल साबित हो रहे हैं। कॉपी यूनिवर्स, स्पाई यूनिवर्स के बाद अब बॉलीवुड में हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स भी काफी पसंद किया जा रहा है। प्रोड्यूसर दिनेश विजान ने हॉरर यूनिवर्स को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाते हुए अब तक स्त्री और भेड़िया जैसी बेहतरीन फिल्में दी है और अब वो इन फिल्मों के सीक्वल लाने की भी तैयारी कर चुके हैं। 12 अप्रैल को जियो स्टूडियोज ने अपनी आगामी फिल्मों की घोषणा की, जिसमें वरुण धवन और कृति सेनन स्टारर भेड़िया का सीक्वल भेड़िया 2 शामिल थी और दूसरी फिल्म श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना और राजकुमार राव स्टारर स्त्री 2 थी। साल 2022 में रिलीज हुई भेड़िया को अमर कौशिक ने डायरेक्ट किया और दिनेश विजान ने प्रोड्यूस किया था। अब वे इसका सीक्वल भेड़िया 2 लेकर आ रहे हैं। वरुण धवन ने भेड़िया के म्यूजिक को गुनगुनाते हुए भेड़िया 2 का अनाउंसमेंट किया। इसी के साथ भेड़िया 2 की रिलीज डेट भी सामने आ गई है, जो कि 2025 है, जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। साल 2018 में रिलीज हुई स्त्री फिल्म को अमर कौशिक ने डायरेक्ट किया था और दिनेश विजान व राज एंड डीके ने मिलकर प्रोड्यूस किया था और अब इसका सीक्वल स्त्री 2 भी अनाउंस हो गया है। स्त्री 2 में श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बनर्जी एक बार फिर अहम रोल निभाते हुए नजर आएंगे। स्त्री के सीक्वल को भेड़िया के क्रेडिट सीक्वेंस में बोया गया था, जिसमें अभिषेक बनर्जी कॉमन लिंक थे। ये फिल्म 31 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। कहा जा रहा है कि स्त्री 2 की शूटिंग इसी साल जून से शुरू हो जाएगी। इन सीक्वल के साथ मेकर्स का एक हॉरर यूनिवर्स बनाने का विचार है और दोनों में क्रॉसओवर होने की बात तो हम पहले ही बता चुके हैं कि भेड़िया स्त्री 2 में कैमियो करेगा, जैसे कि स्त्री ने भेड़िया में कैमियो किया था। तो आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या चाहती है स्त्री और क्या विकी को पता चला सच, जानेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेस वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज। लेकिन दोस्तों, ये सारा डिस्कशन शुरू करने से पहले ना मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और उस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। तो शुरू करते हैं फिर अपनी आज की इस वीडियो के साथ। दोस्तों, वो लड़की यानी कि श्रद्धा कपूर बताती है कि स्त्री मेरी माँ है। उन्हें इस गांव के मुखिया के परिवार ने ना बहुत परेशान किया था। जब हमारे घर में आग लगाई गई थी तब माँ की आत्मा ने ही मुझे बचाया था और फिर पता नहीं कैसे मुझे यहाँ से दूर भेज दिया। जब मैं बड़ी हुई तो माँ की आत्मा ने मुझसे दोबारा कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की। पहले तो मैं समझ ही नहीं पाई कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, पर फिर बाद में सब कुछ क्लियर हुआ। उनकी बेटी होते हुए मैं भला कैसे उनकी लड़ाई में उनका साथ ना दूं। अब विकी यानी कि राजकुमार राव कहता है कि आखिर तुम दोनों चाहते क्या हो इस गांव से, इस गांव के मर्दों से। लड़की कहती है वो उसे सब बताएगी लेकिन धीरे धीरे, और कहती है कि विकी तुम ना एक अच्छे लड़के हो, तुम पर भरोसा करने का मन करता है। विकी बस निशब्द होकर उसे सुन रहा था। उसने उस लड़की से पूछा कि अब आगे क्या, और अब आगे हम कैसे गांव के सारे मर्दों को उस कमरे से निकाल सकते हैं, क्या करना होगा हमें। लड़की कहती है कि तुम क्या, दुनिया में कोई भी उन्हें निकाल नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ स्त्री खुद ही उन्हें निकालेगी जब उसका काम पूरा हो जाएगा और जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। इस पर विकी कहता है कि तुम पागल हो गई हो, मैं कब तक बाबा को वहाँ कैद देखता रहूंगा, कुछ तो करना होगा, कोई तो तरीका होगा। तब लड़की उसे कहती है कि मुखिया ने उसकी माँ के साथ बहुत गलत किया था, अब मुखिया के परिवार वालों को ही आगे आना पड़ेगा और अब अपनी गलती मान उसे सुधारने की कोशिश करनी पड़ेगी। हो सकता है स्त्री को लगे तो वो सबको छोड़ दे और यहाँ से बहुत दूर चली जाए। ये बात सुनकर विकी खड़ा हो जाता है और खुद से कुछ बड़बड़ाते हुए ना घर से बाहर निकल जाता है। लड़की अब भी उसके पीछे उसके घर में बैठी होती है। वो उसे पूछती भी है कि विकी कहाँ जा रहे हो, क्या करने वाले हो। उसे बिना बताए, कुछ भी बिना बोले वो वहाँ से चला जाता है। अब आगे क्या हुआ, विकी ने क्यों ऐसा किया, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।
साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूले और हाँ सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड स्टूडियोज को। नमस्कार। वो लड़की मिली हुई है उस भेड़िए से, क्या पता चला विक्की और बिट्टू को क्या होगा पूनम की रात को। हेलो, मैं हूँ पूर्णिमा एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्टूडियोज। 2018 में आई स्त्री में श्रद्धा में एक मिस्टीरियस गर्ल के रूप में नजर आई थी और अब आने वाली स्त्री 2 में उनका एक नया अंदाज देखने को मिलने वाला है और इस बार तो भेड़िया यानी हमारे वरुण धवन भी इस सीक्वल का हिस्सा होने वाले हैं। ये फिल्म होगी बॉलीवुड के वेल नोन प्रोड्यूसर दिनेश विजन के बन रहे और कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा। तो चलिए जानते हैं आगे क्या होने वाला है इस फिल्म की कहानी में। जैसा कि हमने देखा था कि जब चंदेरी के लोगों ने अपने घरों के दरवाजों पर लाल इंक से लिखा था और राक्षस फैलाना, तब उनका ये आइडिया काम कर गया था तो भेड़िया किसी भी लड़की को उठाकर नहीं ले गया। लेकिन उसके बाद जंगल में ना एक लड़की जाती है जो श्रद्धा कपूर यानी वो मिस्टीरियस गर्ल ही है और ताजुब की बात तो ये है कि वो भेड़िया उस पर हमला भी नहीं करता है। अब इसके आगे की कहानी, उस भेड़िए को थोड़ा खाना खिलाने के बाद वो लड़की उसे एक बॉटल देती है जिसमें कुछ लिक्विड था और वो पीने के बाद वो भेड़िया अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और हमारे सामने पहली बार आते हैं वरुण धवन जो उस लड़की के सामने देख रहे होते हैं और वो उससे कहती है क्या मकसद है तुम्हारा और क्यों आए हो तुम यहाँ। तब वरुण कुछ नहीं बोलता, बस उसके सामने देखते रहते हैं। तब वो फिर से पूछती है लेकिन वो सिर्फ उसे घूरता ही रहता है। फिर वो उसे आखिरी बार कहती है कल पूनम की रात है जब तुम अपने सबसे खतरनाक रूप में होगे, ध्यान रहे कि किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। और वो वहां से जाने लगती है तब वो भेड़िया उसे कहता है ओ स्त्री कल आना। ये सुन वो रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है तभी वो फिर से अपने भेड़िए के रूप में आ जाता है और वहां से भाग जाता है। उसे जंगल से घर वापस जाने में सुबह हो जाती है लेकिन अंधेरा था इसलिए वो छुपते छुपाते चली जाती है पर उसे ना कोई देख लेता है। अगली सुबह विक्की यानी राजकुमार और बिट्टू यानी अपार शक्ति खुराना फिर एक बार रुद्र यानी पंकज त्रिपाठी से मिलने जाते हैं। आज रात पूनम है और सभी ना काफी परेशान है इस चक्कर में। जैसे ही वो वहां जाते हैं वो ये देखते हैं कि वो अनामिका यानी श्रद्धा पहले से ही वहां पर बैठी होती है जो विक्की के सामने स्माइल करती है। लेकिन विक्की उसे सीधा सवाल पूछता है कल रात को आप जंगल में क्या करने गई थी। ये सुनकर बिट्टू और रुद्रा भी ना चौंक जाते हैं और रुद्रा कहता है अगर वो गई होगी तो कुछ पता लगा कर ही आई होगी। तब वो कहती है विक्की आज पूनम है और वो भेड़िया आज कुछ बड़ा करने वाला है इसलिए हमारी रक्षा के लिए स्त्री को बुलाना होगा। इसे सुन बिट्टू ना चीख पड़ता है और धीमे से कहता है स्त्री को ये क्या कह रही हो आप। और विक्की और रुद्रा भी सेम ही रिएक्शन देते हैं जिसे देखकर वो कहती है याद रही क्या आप लोगों को हमने स्त्री से कहा था वो स्त्री हमारी रक्षा करना इसलिए सिर्फ वही है जो इस सिचुएशन में हमारी मदद कर सकती है और उस भेड़िए का राज भी बताएगी वो। विक्की ये तुम्हें ही करना होगा। तब विक्की बोल पड़ता है हम ही क्यों हर बार अनामिका जी हम नहीं करने वाले ऐसा कुछ। क्या विक्की बुलाएगा स्त्री को या वो लड़की ही है स्त्री, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। और तब तक हमें ये जरूर बताएं कि क्या इस बार श्रद्धा का दिखेगा हॉरर लुक। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीवुड स्टूडियोज को। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें और अपना ध्यान रखें। बाय। बच्चे को कैसे छुड़ाया स्त्री से, आखिर विक्की को क्यों लगा झटका। हेलो, मैं हूँ पूर्णिमा एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्टूडियोज। ये सारा डिस्कशन शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। विक्की हैरान परेशान होकर घर लौटता है। वो बाबा से यूं ही बातों बातों में कहता है कि पुरानी हवेली गया क्या कोई ढूंढने। बात मुखिया भी सुनते हैं, वो डरे तो होते हैं लेकिन उनकी औलाद का सवाल है तो वो भी वहाँ चले जाते हैं और वहाँ वो एक बात देख कर शॉक में रह जाते हैं कि बच्चा वही मिलता है। पर जैसे ही वो बच्चे के पास जाते हैं उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई देती है और वो स्त्री होती है।
स्त्री उन्हें बच्चा ले जाने से मना कर देती है और साथ में एक ना अजीब सी शर्त रखती है कि जब तक गांव के सारे मर्द हवेली के पीछे वाले कमरे में नहीं चले जाएंगे तब तक वो इस बच्चे को कहीं नहीं जाने देगी। ये सब हो ही रहा होता है कि तभी वो लड़की वहां आती है और वो सबको कहती है कि उन्हें स्त्री की बात मान लेनी चाहिए वरना सच में बच्चे की जान पर खतरा है। अब लोग उसे ना शक की निगाहों से देखने लगते हैं और विक्की डर से वो उस लड़की से अकेले में बात करना चाहता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है और अब उसे सही वक्त का इंतजार होता है। लड़की की बात मानकर अपने बेटे को बचाने के लिए मुखिया ही सबसे पहले उस कमरे की तरफ चल पड़ते हैं पर इसके पहले वो पूरे गांव के सामने अपनी पगड़ी उतार कर सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके बच्चे को बचाने में सब उनकी मदद करें। अब सब धीरे धीरे उनके पीछे हो लेते हैं और उस अंधेरे कमरे में जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही विक्की की बारी आती है ना वैसे ही वो लड़की कहती है जिनकी शादी नहीं हुई उन्हें स्त्री से कोई खतरा नहीं है। विक्की उसकी बातों को नजरअंदाज कर फिर भी मुखिया का साथ देने के लिए कमरे की तरफ बढ़ता है। तभी स्त्री की जोर से आवाज आती है और वो कहती है सुनाई नहीं दिया कि वो क्या कह रही है। और यहाँ से सब गांव वाले उस लड़की से ना बहुत डर जाते हैं। सब उस लड़की को ही चुड़ैल समझने लगते हैं। विक्की तो जैसे कुछ समझ ही नहीं पाता पर वो उसकी बात मानते हुए कमरे में नहीं जाता। जैसे ही सारे मर्द अंदर चले जाते हैं स्त्री उस कमरे को अपनी शक्तियों से लॉक कर देती है और कहती है अगर किसी ने ताले को छूने की भी कोशिश की तो वो दरवाजे के अंदर होगा। बच्चे को स्त्री अपने पोजीशन से बाहर कर देती है और उसकी माँ उसे वहाँ से ले जाती है। आगे क्या हुआ स्त्री ने क्यों किया ऐसा ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें और खुश रहें बाय। क्या चाहती है स्त्री विक्की को पता चला सच। हेलो मैं हूँ पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। ये सारा डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। लड़की बताती है स्त्री मेरी माँ है। उन्हें इस गांव के मुखिया के परिवार ने बहुत परेशान किया था। जब हमारे घर में आग लगी थी तब माँ की आत्मा ने मुझे बचाया था और फिर पता नहीं कैसे मुझे यहाँ से दूर भेज दिया। अब जब मैं बड़ी हो चुकी हूँ तो माँ की आत्मा मुझसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करने लगी। पहले तो मैं समझ नहीं पाई कि ये सब क्या है पर फिर बाद में मुझे सब क्लियर हो गया। उनकी बेटी होते हुए मैं भला कैसे उनकी इस लड़ाई में उनका साथ ना दूं? विक्की कहता है आखिर तुम दोनों चाहते क्या हो इस गांव से इस गांव के मर्दों से। लड़की कहती है वो उसे धीरे धीरे सब कुछ बताएगी। फिर वो कहती है कि विक्की तुम एक अच्छे लड़के हो तुम पर भरोसा करने का मन करता है। विक्की बस निशब्द होकर उसे सुन रहा था। उसने उस लड़की से पूछा कि अब आगे क्या और अब आगे हम कैसे गांव के सारे मर्दों को उस कमरे से निकाल सकते हैं क्या करना होगा हमें। लड़की कहती है तुम तो क्या दुनिया में कोई भी उन्हें नहीं निकाल सकता सिर्फ और सिर्फ स्त्री खुद ही उन्हें निकालेगी जब उसका काम पूरा हो जाएगा और जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। विक्की कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या मैं कब तक बाबा को वहाँ कैद देखता रहूंगा कुछ तो करना होगा कोई तो तरीका होगा। तब लड़की उसे कहती है कि मुखिया ने उसकी माँ के साथ गलत किया था अब मुखिया के परिवार वालों को ही आगे आना पड़ेगा और अब अपनी गलती मान उसे सुधारने की कोशिश करनी पड़ेगी। हो सकता है स्त्री को लगे और वो सबको छोड़ दे और यहाँ से बहुत दूर चली जाए। ये बात सुनकर विक्की ना एकदम से खड़ा हो जाता है और खुद से कुछ बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकल जाता है। लड़की अब उसके पीछे उसके घर में बैठी होती है। वो उससे पूछती भी है कि विक्की कहाँ जा रहे हो क्या करने वाले हो। वो उसे बिना कुछ बोले बस वहां से चला जाता है। आगे क्या हुआ विक्की ने ऐसा आखिर क्यों किया ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप खुश रहें और अपना ध्यान रखें बाय। कौन मिला विक्की से सीढ़ियों पर क्यों था विक्की शॉक। हेलो मैं हूँ पूर्णिमा एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज।
ये सारा डिस्कशन शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। पूजा हो भी गई और उस लड़की का कहीं पता नहीं था, लेकिन उस दिन ना पूजा के बाद एक खबर सुनने को मिली। वो ये थी कि गांव के मुखिया के घर में उसके पोते का जन्म अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था और स्त्री उसे उठाकर ले गई थी। सुनने में ये भी आया कि घर के सभी लोग पूजा में गए थे, बस माँ और बच्चा ही घर पर थे और दोनों ही गहरी नींद में सो रहे थे। इस बीच स्त्री आई और उन्हें उठा कर ले गई। अब विक्की को शक हुआ कि पिछले साल भी वो लड़की स्त्री के पहले हमले के बाद ही आई थी और अगली सुबह ना उसने अपने दरवाजे पर एक लेटर देखा जिसमें लिखा हुआ था कि मंदिर की सीढ़ियों पर उसका कोई इंतजार कर रहा है। विक्की पहले तो काफी खुश हुआ और वो ये सब मुखिया वाली बात को अनदेखा करके मंदिर चला गया। वहाँ वही लड़की उसे मिली। विक्की उसे दोबारा देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन एक बहुत ही अजीब बात हुई। इससे पहले विक्की उससे कुछ पूछता उस लड़की ने विक्की से कहा, पूरे गांव में ढूंढ लिया है सबने, क्यों ना एक बार वो पुरानी हवेली में भी जाकर देखा जाए, कहीं वहीं तो नहीं लेकर गई स्त्री उसे। विक्की यहाँ पर शॉक होता है और बस कुछ कह नहीं पाता। इतना कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है, ना कुछ पूछती है और ना कुछ कहती है। विक्की हैरान परेशान होकर घर लौटता है। वो बाबा से ना यूं ही बातों बातों में कहता है कि पुरानी हवेली गया क्या कोई ढूंढने। बात मुखिया भी सुनते हैं। वो डरे तो होते हैं लेकिन उनकी औलाद का सवाल है तो वो भी वहाँ चले जाते हैं और वहाँ वो एक बात देख कर ना शॉक हो जाते हैं और वो बात ये होती है कि जो वो बच्चा है ना वो वहीं पर मिलता है। पर जैसे ही वो बच्चे के पास जाते हैं उनको पीछे से ना एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज स्त्री की होती है। स्त्री उन्हें बच्चा ले जाने से मना कर देती है और साथ में एक काफी अजीब सी शर्त भी रखती है कि जब तक गांव के सारे मर्द हवेली के पीछे वाले कमरे में नहीं चले जाएंगे तब तक वो इस बच्चे को कहीं नहीं जाने देगी। आगे क्या हुआ, स्त्री ने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड। दोस्तों लगता है हमारी स्त्री मार्वल का चक्कर काट कर आ चुकी है और मार्वल वालों ने लौटते वक्त गिफ्ट के तौर पर कोई पावर वगैरह दे दिया है, क्योंकि अब एक खास पावर होने वाला है स्त्री के पास। जैसे चंदेरी का हर आदमी रणवीर सिंह का करेंट लगा रहे ये वाला गाना गाने वाला है, क्योंकि अब ट्विटर आने की न्यूज बताने के साथ साथ मेटाफोरों ने कुछ पोस्टर्स भी शेयर किए हैं और उससे हमें ये पावर का सीक्रेट पता चल चुका है। तो स्त्री टू का ट्रेलर आने वाला है बस दो दिनों में, यानी कि 18 जुलाई को, और ये बताते हुए मेडॉफ वालों ने एक दिन में फटाफट से दो पोस्टर्स रिलीज किए हैं, जो कि हमें समझ में नहीं आया कि भाई इतनी देर से इतनी शांति थी और अचानक से कौन सी आत्मा आ गई इनके अंदर कि एक दिन में दो दो पोस्टर्स डाल रहे हैं ये लोग। शायद हमें इस पावर से चार्ज करना चाहते होंगे। वैसे इनकी क्रिएटिविटी अच्छी थी इसलिए माफ कर देते हैं, पर सच में ये पोस्टर्स देखकर तो हम हिल गए। मतलब अब स्त्री 2.0 वो देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसमें एक पोस्टर में हमें सरकटा जिसका आतंक है चंदेरी में वो दिखाई देता है और सरकटा के हाथ में किसी की कटी हुई मुंडी है और उसके सामने खड़ी है स्त्री, वो भी अपनी चोटी के साथ। पर स्त्री की चोटी अब कोई साधारण चोटी नहीं है, बल्कि उसका पावर अब जानलेवा होने वाला है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक पावर होने वाला है। और पोस्टर से तो स्त्री श्रद्धा कपूर ही लग रही है, मतलब अब श्रद्धा कपूर करंट भी मारेगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पर इतना जरूर कि सरकटा का आतंक मिटाने के लिए अब इलेक्ट्रिक पावर वाली चोटी काम करेगी, बिल्कुल किसी जादू की छड़ी की तरह। वैसे ये बहुत ही एडवांस चोटी लग रही है, पर आपको पता है बेसिकली ये चोटी वाला कंसेप्ट उतना भी नया नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमने चोटी पर बनी एक फिल्म देखी है, जैसे कि इमरान हाशमी, हुमा कुरैशी शर्मा, कोंकणा सेन शर्मा की 2013 की फिल्म एक थी डायन। उसमें चोटी क्या खेल खेल रही थी भाई, और इसका क्लाइमैक्स इतना खतरनाक था कि उसमें डायन बनी कोंकणा सेन की लंबी सी चोटी कभी इमरान के गले का फंदा बन जाती है, कभी इधर से उधर फेंक देती है और फिर इधर से उधर पटकने के बाद फाइनली उसकी वो चोटी काट दी जाती है और डायन इनविजिबल हो जाती है, क्योंकि उसका पावर टोटल गुल हो जाता है। तो ऐसा चोटी काटने वाला कंसेप्ट हमने स्त्री में भी देखा है, तो कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी हमें यहाँ पर नजर आती है। बट एक थी डायन में जो चोटी दिखाई गई थी वो इतनी लंबी थी कि इतने लंबे सांप तो हमने खतरों के खिलाड़ी में भी नहीं देखा होगा, तो शायद ऐसी चोटी से इंस्पायर्ड होकर स्त्री बनाई गई होगी और टीवी शोज बनाए गए हैं, जैसे कि स्टार प्लस का वो टीवी शो नजर आपको याद होगा जिसमें भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा से ज्यादा उसकी चोटी ही एक्टिंग कर रही थी।
खैर, पर इस बार मेडॉक सुपरनैचुरल हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को सुपर पावरफुल फैंटेसी यूनिवर्स बदलने का पूरा पूरा इरादा है। तो 15 अगस्त को स्त्री जब आएगी ना, तब देखना है कि कैसे वो इस इलेक्ट्रो चोटी की सबकी रक्षा करती है। फिलहाल दोस्तों, आप इसके लिए कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक। दोस्तों, लगता है कि अब करण जौहर हीरा पीरी वाली राजू की तरह 25 दिनों में पैसा डबल वाली को स्कीम आजमाना चाहते हैं, और उनकी स्कीम से स्त्री का बहुत बड़ा कनेक्शन होगा क्योंकि वो स्त्री है, वो तो कुछ भी कर सकती है। और अब 3-2 का ट्रेलर रिलीज होने वाला है, जिसका कनेक्शन होगा करण से, मतलब कि उनकी अपकमिंग फिल्म बैड न्यूज के साथ। वैसे कनेक्शन तो हम आपको बताएंगे ही, और उससे पहले स्त्री का मतलब कि श्रद्धा कपूर का नाम तो जान लीजिए। तो स्त्री का नाम होगा गायत्री। तो अब ओ स्त्री रक्षा करना ऐसे नहीं, बल्कि ओ गायत्री रक्षा करना ये कहना शुरू कर लीजिए। लगता है कि भूत को भगाने के लिए सब लोग गायत्री मंत्र पढ़ने वाले हैं। या और बात है उस कनेक्शन पर, तो बात ये कि करण जौहर की फिल्म बैड न्यूज, जो कि 19 जुलाई को रिलीज होने वाली है, उसके एंड में हमें स्त्री 2 का ट्रेलर दिखाया जाएगा। वैसे स्त्री 2 का ट्रेलर एक्चुअली 18 जुलाई को रिलीज होने वाला है, पर वो इस फिल्म के साथ अटैच किया जाएगा। पर यहाँ ना हमें गलत इसकी की बू आ रही है, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ जरूर है दया। अब मतलब कि बैड न्यूज देखने के लिए स्त्री के फैंस को भी थिएटर तक लाया जाएगा। अरे अरे, इसी तो कहते हैं स्ट्रैटेजी और अंडे का फंडा, मतलब कि बिजनेस फंडा। लगता है कि अब एक ऐसा ट्रेंड शुरू होने वाला है फिल्म का क्रेज हाइप और कलेक्शन को बढ़ाने के लिए, किसी मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म का ट्रेलर टीजर अटैच कर दो और फिल्म के फैंस को भी ना अपने साथ जोड़ लो, ताकि जेब में ना पैसा ही पैसा आ जाए। पर स्त्री वाले इस बात के लिए क्यों मान गए? देखिए, पहली बात तो ये है कि स्त्री 2 एक मोस्ट अवेटेड फिल्म है, और वो एक कॉमेडी हॉरर फिल्म है। और बैड न्यूज की बात करें तो वो भी एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, यानी कॉमेडी तो दोनों में कॉमन है। ऐसे में बैड न्यूज जैसी फिल्म के साथ स्त्री 2 का ट्रेलर ऐड करना सही साबित होता है। अब स्त्री 2 का ट्रेलर इंडियन 2 जैसी करप्शन बेस्ड फिल्म के साथ अगर लगता तो ऊपर की फिट नहीं बैठता, क्योंकि वो हल्की फुल्की मजाकिया फिल्म के साथ ही ठीक बैठ सकता है। इसलिए जो लोग कॉमेडी जॉनरा के बहुत बड़े फैन है, उनके लिए तो ये डबल ट्रीट हो जाएगी। जैसे बैड न्यूज देखने के साथ साथ स्त्री 2 का ट्रेलर बिल्कुल फ्री। हाँ, अब आप इसमें ये भी कह सकती हो कि अक्षय कुमार की रिसेंटली रिलीज फिल्म सरफिरा के डांस का ट्रेलर अटैच कर सकते थे मेकर्स, क्योंकि अक्षय का क्या मियो स्त्री 2 में होने वाला है ऐसी चर्चा है। इसका मतलब स्त्री 2 का ट्रेलर देखने के लिए अक्षय के फैंस भी जमकर भीड़ लगाएंगे। वाह, यानी सरफिरा को देखने के लिए भी श्रद्धा, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अक्षय कुमार, स्त्री फिल्म, मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स, सबके फैंस भी भीड़ लगाते, तो डेफिनेटली फायदा ही होता। लेकिन वैसा हुआ नहीं, और अक्षय कुमार की फिल्म जो पहले दिन 2 करोड़ कमाई कर पाएगी ना, वो तो कम से कम 7 से 8 करोड़ कमाई कर ही लेती। और दूसरी बात ये भी दोस्तों कि सरफिरा को लेकर जो ट्रोलिंग हो रही थी, जैसे कि वो एक तमिल फिल्म का रीमेक है, जिसकी वजह से कुछ लोग नाराज थे और इसकी मार्केटिंग सही तरीके से नहीं हो रही थी, लोग उतना यकीन नहीं दिखा रहे थे। शायद इस वजह से 3-2 वालों को भी नुकसान हो जाता। बट बैड न्यूज के सब्स्टिट्यूट का ट्रेलर लगाना सही तरीका है, और जाहिर तौर पर लोग तृप्ति बिंदी, विकी कौशल और इस फिल्म के कंटेंट को लेकर अभी काफी एक्साइटेड है। वो सारे फैंस तो बैड न्यूज के लिए भीड़ लगाएंगे ही, पर इसका 3-2 के ट्रेलर को भी ना फायदा हो सकता है ना, क्योंकि बैड न्यूज स्टार के फैंस एंड तक रुकेंगे ही। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बिजनेस स्ट्रेटेजी यहाँ पर हमें दिखाई देती है। हाँ, हालांकि जो लोग 18 जुलाई को 3-2 का ट्रेलर देखेंगे, वो बैड न्यूज के एंड तक पॉसिबिलिटी की ना रुके, अगर उन्हें फिल्म अच्छी ना लगी तो, पर अगर अच्छी लगी हो तो वो पक्का रुकेंगे। पर कुछ भी कहो, मतलब बस फिल्म में ही स्त्री को सबकी रक्षा नहीं करनी है, बल्कि अब बैड न्यूज की भी रक्षा करनी है। तो स्त्री प्लीज इसकी रक्षा करना। फिलहाल दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो VFX ये भी 3 लेटर्स का छोटा सा ही शब्द है, पर इसके धमाके किसी एटम बॉम्ब से कम नहीं होते। मतलब बाहुबली हो, रॉकी भाई हो, पुष्पा भाई हो, इन्हें भी इस छोटे पैकेट की जरूरत पड़ी है। पर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पैन इंडिया के लिए जरूरी है, बल्कि हॉरर दुनिया में भी इस VFX का डेब्यू कब का हो चुका है, और अब स्त्री को भी इसकी जरूरत पड़ी है, इसलिए तो उससे आने में थोड़ी सी देर लगा दी। पर स्त्री को इसकी जरूरत क्या, वो तो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। हाँ भाई, वो कर सकती है, पर अब हमारी खातिरदारी में कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए ना, इसीलिए स्त्री 2 में भी VFX इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी एक छोटी सी झलक हमने टीजर में देखी। वो चुड़ैल तो आपको याद होगी ना, और हवा में लटकने वाली औरत,
तो एक बार चिल मारिए। मस्त विजुअली स्टंटिंग एक्सपीरियंस देने का प्लान है इन लोगों का, जिसके पीछे हाथ होगा असित जयकार और रविंदर जोशी नाम की वीएफएक्स सुपरवाइजर्स का, जिन्होंने इससे पहले कल की 2890 के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। तो वीएफएक्स के मामले में स्त्री टू तो बढ़िया होंगी और बाकी सबको अभी पर्दे पर ही रखा है। और स्त्री टू जैसी फिल्मों में वीएफएक्स का इस्तेमाल करना मतलब कोई तो सरप्राइज होगा, क्योंकि अगर मिडॉक सुपरनेचुरल हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में देखिए तो भेड़िया में भी वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि वरुण धवन का भेड़िया ट्रांसफॉर्मेशन काफी दिखाना जरूरी था, तो कहानी की वजह से भी विजुअल इफेक्ट्स की डिमांड होती है। वैसे अब तक तो हम सोचते थे कि भाई ब्रह्मास्त्र जैसी फैंटेसी फिल्म या RRR, बाहुबली या कल की 2890 यही फिल्में वीएफएक्स इस्तेमाल कर चुकी है और बेंचमार्क सेट कर चुकी है, पर अब मार्केट बदल रहा है, हॉरर फिल्मों में वीएफएक्स इस्तेमाल हो रहा है और इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है बाबा, बल्कि एंटरटेनमेंट का मजा बढ़ाने का यही तो मोटिव होता है। इसके इस्तेमाल से क्रिएशन ऑफ टेरिफाइंग क्रिएचर्स आज पॉसिबल हो चुका है। एनिमेशन, टेक्सचरिंग एंड लाइटनिंग टेक्निक्स की मदद से एक रियलिस्टिक मॉन्स्टर क्रिएट किया जाता है जो एक्चुअल में फिल्म का हीरो बन जाता है, जिसका ताजा ताजा एग्जाम्पल है मिडॉक का मुंजिया। इतना ही क्यों, दूसरा एग्जाम्पल है अनुष्का शर्मा की फिल्म परी, जिसमें वो खुद भूतनी बनी थी। और आपको पता है ऐसी फिल्मों में आत्मा या भूत बने आर्टिस्ट के पैर गायब करने के लिए तो वीएफएक्स चाहिए ही होता है, और वीएफएक्स की मदद से ही अनुष्का के पैर भी गायब कर दिए गए थे। इतना ही नहीं बल्कि काफी ज्यादा मूवीज में ऐसा दिखाते हैं, जैसे जालियांवाला बाग की एक सीन जिसमें पूरा गार्डन वीएफएक्स की मदद से क्रिएट किया जाता है, क्योंकि सब असल जगह पे शूटिंग करना अलाउड नहीं होता, तो ऐसा केस में भी वीएफएक्स काम आता है और इसी वजह से वे सीन पर्दे पर काफी ज्यादा कमाल करते हैं। एक दो मिनट के लिए तो ऐसा लगा कि सच में हम जालियांवाला बाग देख रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं भूलभुलैया 2 का। अब कार्तिक आर्यन की इस फिल्म में जितनी कॉमेडी थी उतना ही हॉरर था, और इस फिल्म में भी वीएफएक्स का इस्तेमाल करना पड़ा, वो भी क्यों, क्योंकि हमें एक अलग तरीके की अंजुलिका और मंजुलिका इसमें देखने को मिली और दोनों के रोल्स तब्बू ने ही किए थे, और यंग अंजुलिका मंजुलिका को दिखाना, उनकी पास्टोरी दिखाने के लिए तो ये तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा अमेजिंग टेक्निक के साथ ही पॉसिबल था। और फिर तब्बू के डबल रोल, मतलब मूवी में एक ही फ्रेम में दो तब्बू, वह भी तो वीएफएक्स का ही कमाल था ना भाई। और ऐसे सीन में जब हम पर्दे पर देखते हैं तो गूज़बम्प्स वाले बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, तो हमें ऐसा ही लगता है कि सच में दो तब्बू एक साथ एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है। तो ये सब वीएफएक्स की ही तो कृपा है, और ये मजा बढ़ाने की वजह से ही तो वीएफएक्स फिल्म का तीसरा हीरो बनता है कॉन्टेंट और एक्टर्स के बाद। सही कहा ना? वेल, आप कितना अग्री करते हैं हमारी बात से हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियो। ब्रेकिंग न्यूज, तो सुनने में आया है कि खुद को साबित करने के लिए अक्षय ने स्त्री का सहारा लिया है। वेल, शायद इसीलिए कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे स्त्री का हाथ होता ही होता है। एंड बिकॉज आई डोंट लाई, तो स्त्री भी अक्षय को हिट कर पाएगी या नहीं, ये थोड़ा कंफ्यूजन तो है, क्योंकि जब नहीं हो किस्मत राजी तो आखिर क्या करेगी स्त्री और उसकी साथी। वेल, 2024 शुरू नहीं होता है और अक्षय कुमार का बज शुरू हो जाता है। इस वक्त उनके पाइपलाइन में कई बड़ी बड़ी फिल्में ऑलरेडी है। सरफिरा हुई, स्काई फोर्स, कनप्पा और सिंगम अगेन में भी कैमियो कर रहे हैं। ये सही है, लगता है अक्षय पाजी की फुल लेंथ वाली मूवीज नहीं चल रही हैं, तो अब कैमियोस का रास्ता अपना रहे हैं, और एक्चुअली सही भी है क्योंकि जारी रखनी चाहिए जो भी हो, जाने कब कौन सा पत्ता फिट बैठ जाए। वैसे अक्षय कुमार ने हॉरर मूवीज में जो कैमियो करने वाली बात की है वो काफी सही की है, क्योंकि मेरे हिसाब से जब भी अक्षय कुमार और हॉरर मूवीज का कॉम्बिनेशन साथ में सुनने को मिलता है तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, दैट इज भूल भुलैया। और हम सबको पता है कि उस एक फिल्म ने हमारा क्या हाल किया था, इतना बौकाल मचाया था, आई कांट इवन से। हालांकि अगले पार्ट में उनका पत्ता कट गया था फॉर ऑब्वियस रीजंस, एंड अब कार्तिक आर्यन ही आ रहे हैं इसके अगले पार्ट में नजर। लेकिन जो प्रियदर्शन नहीं समझ पाए वो है स्त्री के मेकर्स, जो कि समझ गए। फिर क्या, अक्षय ने स्त्री को जीत लिया। वैसे 15 अगस्त को कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली थी, जैसे पिछले दिन अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 आने वाली थी, पर अब फॉर सम रीजन वो पोस्टपोन हो गई और अब ये पिक्चर 6 दिसंबर को आ रही है। पर जिन फिल्मों को इसी दिन रिलीज करने का ऐलान किया है उसमें श्रद्धा और राजकुमार राव की स्त्री 2 शामिल है, जिसमें गेस व्हाट, अक्षय का कैमियो है, ऐसे लोगों का मानना है, और माने भी क्यों ना।
उन्हें लगता है कि अक्षय कुमार की जो कॉमेडी टाइमिंग है वो काफी जबरदस्त है एंड दिस इज द रीजन व्हाई मेकर्स वांट टू कास्ट अक्षय कुमार कैमियो रोल के लिए, क्योंकि उनका मानना है कि अगर फिल्म में अक्षय कुमार कुछ मिनटों के लिए भी आ जाए तो फिल्म हिट हो जाती है। हालांकि अगर उनके रोल की बात करें तो जिस तरीके से भूल भुलैया में उनके साइकाइट्रिस्ट की भूमिका उन्होंने निभाई तो पॉसिबल है कि स्त्री 2 में भी वैसा ही टाइप का कोई किरदार उनको निभाने को मिले। सी वेल, अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली दो हॉरर यूनिवर्स एक साथ जुड़ जाएंगे जिसकी जर्नी ऑब्वियसली आगे जाकर बड़ी हो जाएगी, इन दोनों यूनिवर्स को फायदा भी होगा। वेल, आपके इस पर क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राफ। हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की प्रिंसेस 3 आ रही है 15 अगस्त को। वैसे 3 ने बिना किया टाइमिंग चुना है, मतलब इंडिपेंडेंस डे पर आकर ये सबको डर से इंडिपेंडेंस दिलाने वाली है। वाह, ये तो एकता कपूर की टीवी सीरियल की बहुओं से भी ना बड़ी संस्कारी निकली। पर लगता है कि स्त्री का मन एक दो बार आने से ना नहीं भरेगा, वो बार बार आना चाहती है और इसका हिंट हमें फिल्म के डायरेक्टर अमर कौशिक ने दिया है। तो डायरेक्टर अमर कौशिक जिन्होंने 2018 की सुपर हिट फिल्म स्त्री बनाई थी और जो स्त्री 2 लेकर आ रहे हैं, उनका ऐसा कहना है कि स्त्री पार्ट 3 भी बन सकता है और स्त्री 4 भी बन सकती है, पर पहले स्त्री 2 को लेकर ऑडियंस का रिस्पॉन्स वो देखना चाहते हैं, उसके बाद ही वो बाकी कहानियां लेकर आ सकते हैं। क्योंकि भाई ये कोई अहमद खान थोड़ी है जिन्हें पता होता है कि ऑडियंस बागी सीरीज से बोर हो चुकी है, फिर भी बागी के पास लाते ही रहते हैं और टाइगर श्रॉफ को हम पे थोपते रहते हैं। पर अमर जी ऐसा नहीं करना चाहते हैं, पर इसका मतलब उनके पास कहानियां तो है, बहुत कुछ बताना बाकी है। और इसे एक चीज समझ में आती दोस्तों कि अगर अगले पार्ट्स लाने का मौका मिला तो फिर से हमें नए नए चेहरे इसमें देखने को मिलने वाले हैं। और जैसे कि मुंजिया में हमें पहले आलिया भट्ट नजर आने वाली थी, तो क्या पता स्त्री के अगले पार्ट्स में उन्हें घुसा दिया जाए और यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए एक नई कोशिश की जाए। और हम अभी सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं कर रहे, बल्कि इसमें साउथ वाले भी नजर आ सकते हैं। अब जैसे कि श्रद्धा कपूर की स्त्री के बाद यानी एक चुड़ैल के बाद इस यूनिवर्स में वरुण धवन की भेड़िया आ गई, तो वो एक वुल्फ की कहानी थी और स्त्री और भेड़िया का कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है जो स्त्री 2 से पता चलेगा। और मुंजे इसी फिल्म में हमें भेड़िया नजर आया था, यानी कि भेड़िया का यहाँ पर भी कोई कनेक्शन हो सकता है। पर इस सब के जरिए हम मुंजे ऐसे राक्षस से भी मिले हैं, तो चुड़ैल वुल्फ और राक्षस के बाद अब बस एक वैम्पायर की कमी है। तो अब टेंशन मत लीजिए, शायद वैम्पायर भी जरूर आएगा इस यूनिवर्स में, क्योंकि बहुत पहले ऐसी तगड़ी चर्चा थी कि मैडॉक के प्रोड्यूसर दिनेश विजन की फिल्म बाला में काम कर चुके एक्टर आयुष्मान खुराना वैम्पायर ऑफ विजयनगर नाम की एक फिल्म के जरिए इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें कि वो वैम्पायर बनकर नजर आ सकते हैं। और आपको पता है दोस्तों, आयुष्मान खुराना के साथ कभी सामंथा रुथप्रभु का नाम भी जुड़ा जा रहा था, तो कभी रश्मिका मंदाना का, यानी कि 2 पुष्पा गर्ल्स। इसलिए तो हमने कहा कि भाई साउथ वाले भी ना इसमें एंट्री ले सकते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड वाले ही नजर आएंगे। वैसे भी क्या साउथ और क्या नॉर्थ, हम सब तो एक है ना अब। और हो सकता है कि जैसे भेड़िया में स्त्री को घुसा दिया गया था, स्त्री 2 में भेड़िया को घुसा दिया जाएगा, तो क्यों ना अगले 3 पार्ट्स के जरिए इस वैम्पायर को भी इंट्रोड्यूस करवाया जाए, क्योंकि होने को तो भाई कुछ भी हो सकता है। सही कहा ना? तो देखते हैं कि अब इस वैम्पायर के दर्शन हमें कब मिलते हैं, पर पहले स्त्री के दर्शन ले लीजिए, वरना ये स्त्री नाराज हो जाएगी और फिर कुछ भी कर जाएगी, क्योंकि वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। फिलहाल दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स तो जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर। तो दोस्तों, हमारी स्त्री लौट रही है इस 15 अगस्त को आतंक मचाने पर।